हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुमकुम गौतम और आज करने वाले आर्ट रिपोर्ट्स। तो तुम्हारे इनवीट्स मैंने करा दिए हैं, यहाँ पे तुम्हारे पॉरीफेरेंस से लेके इनवीट्स वाली कंडीशन पूरी पूरी कंप्लीट करा दी गई हैं। तो जिन बच्चों ने हम क्लासेस नहीं देखी पर देख लेना जाके, तो ये सारे के सारे फाइल मैंने कंप्लीट करा दिए हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी उनके करा दिए हैं, टॉपिक्स के साथ साथ सॉरी क्वेश्चन भी यहाँ पे करा दिए हैं, तो आप ये देख सकते हो। तो मैं फ्री क्लासेस की बात करती हूँ, तो तुम्हारी यूट्यूब पे फ्री क्लासेस होती हैं जहाँ पे सुबह 10:30 पे क्लास होती है, जहाँ पे मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराती हूँ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराती हूँ। ये जो क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली तुम्हारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं अगर आपको ज्वाइन करना है। तो ये मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। साथ के साथ अगर मैं बात करती हूँ प्लस क्लासेस की, ठीक है, सो प्लस क्लासेस बेसिकली अनअकैडमी ऐप पे होती हैं, ठीक है, जो अनअकैडमी ऐप है उससे प्लस क्लासेस होती हैं, और तुम्हारी फ्री क्लासेस होती हैं जो तुम्हारी स्पेशल क्लासेस होती हैं। तो अगर आपको स्पेशल क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप कुमकुम गौतम सर्च कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, तो जब भी क्लास होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे। और यूट्यूब पर मेरी एक शाम को 4 बजे भी क्लास होती है, जो रेगुलर आपकी ये वाली जो क्लास है सेम आपकी रेगुलर क्लासेस होती हैं। तो अगर आपको वो भी ज्वाइन करनी है तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं बात करती हूँ प्लस क्लासेस की, जो तुम्हारी पेड वाली क्लासेस होती हैं। यहाँ पे क्या होता है बेटा, आपको रेगुलरली पढ़ाया जाता है, आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ाया जाएगा। आपका जो कोर्स है वो यूनिट वाइज, ठीक है, एक तरीके से आपको कोर्स यहाँ पे कंप्लीट कराया जाता है। जो नोट्स हैं आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाते हैं, साथ के साथ आप जितनी चाहे आप उतनी लाइव क्लासेस ले सकते हो। तो अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है आपको लाइव क्लासेस का, क्योंकि तुम्हारे जितने भी तुम्हारे CSI UGC नेट के एजुकेटर्स हैं आपको सबकी क्लासेस यहाँ पे मिल जाती हैं। तो आप जितनी चाहे उतनी लाइव क्लासेस ले सकते हैं, आप अपनी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि आप कितनी ले पाएंगे, नहीं तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकते हो, ठीक है, दोनों क्लासेस आपको मिल जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, आपके प्लस क्लासेस पे के मॉक टेस्ट भी आपको दिए जाते हैं, टेस्ट सीरीज भी आपकी कराई जाती हैं, क्विज सेशन भी आपके होते रहते हैं, तो आपको प्रॉपर रिवीजन यहाँ से हो जाता है। प्लस क्लासेस पे मेरा यहाँ पे रिवीजन कोर्स चल रहा है, जहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा रही हूँ, उनके रिवीजन करा रही हूँ, साथ के साथ यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी उनके करा रही हूँ। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो। ये जो प्लस क्लासेस है, यहाँ पे फायदा क्या होता है बेसिकली, आप लोगों को ये सब कुछ तो मिलेगा मिलेगा, साथ साथ क्या होता है आपको एक नज़रिया मिलता है, आपको पता चलता है कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन सा जो टॉपिक है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब यूनिट वाइज कोर्स कंप्लीट कर होता है तो तुम्हें भी तरीके से समझ में आती हैं चीज़ें। तो अगर आपको बहुत अच्छे से कोर्स कंप्लीट करना है तो आप प्लस पे ज्वाइन कर सकते हो। आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, उसके लिए ध्यान है GATSE ना लिखा हो, यहाँ पे लिखा होना चाहिए CSIR UGC नेट। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, NT UGC नेट पे क्लिक नहीं करना है। फिर आपको प्लान चूज करना होता है कि आपको 1 मंथ का लेना है कि 3 मंथ्स का लेना है, 6 मंथ्स का लेना है, 12 मंथ्स या 24 मंथ्स। तो जो भी बच्चे CSI के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं आगे वाले CSI के लिए, वो 6, 12 या 24 मंथ्स वाला ले सकते हैं। सो बेसिकली 6 मंथ्स वाले में फ़ायदा क्या होगा आपका, कि आपको पूरा कोर्स भी मिल जाएगा और यहाँ पे रिवीजन भी हो जाएगा। लेकिन अगर अमाउंट को देखा जाए तो 12 मंथ्स वाला ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा टाइम मिलेगा, प्रॉपर टाइम मिलेगा, और आपको प्रॉपर यहाँ पे रिवीजन होगा, आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, आपके मॉक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और 24 मंथ्स वाला उन लोगों के लिए बेटर है जो मास्टर्स के भी फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकेंड सेमेस्टर में है। तो आप यहाँ पे एक रेफरल कोड अप्लाई कर सकते हो, जो रेफरल कोड है वो है कुमकुम10। तो KUM10 यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। कुमकुम10 का अप्लाई करने से क्या होगा, आपको 10% का ऑफ यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, 10% ऑफ मिल जाता है। तो आप यहाँ कर सकते हो प्रोसीड टू पे कर सकते हो, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा जैसे ही आप यहाँ पे कुमकुम10 कोड अप्लाई करोगे। फिर आपको पेमेंट करनी होती है, चाहे डेबिट कार्ड के थ्रू करो, क्रेडिट कार्ड के थ्रू करो, EMI हो गया, UPI हो गया, वॉलेट हो गया, नेट बैंकिंग हो गया। तो आपको इतना पे करना होता है 10% ऑफ करने के बाद में, तो आप उसके बाद EMI के थ्रू भी पे कर सकते हो। मतलब अगर किसी बच्चे को फाइनेंशियली कोई भी प्रॉब्लम है तो आप EMI के थ्रू भी पे कर सकते हो। यहाँ पे नो कॉस्ट EMI वाला ऑप्शन है, मतलब कोई भी इंटरेस्ट आपसे नहीं लिया जाता है, आपको सिर्फ ये अमाउंट जो है इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है। तो अबाउट 866 रुपीज़ पर मंथ पड़ता है, तो आप ऐसे भी पे कर सकते हो। बेसिकली अगर आपको अनअकैडमी ऐप को ज्वाइन करना है और स्पेशल क्लासेस लेनी है, चाहे स्पेशल क्लासेस या फिर प्लस वाली क्लासेस लेनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, अनअकैडमी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अगर स्पेशल क्लासेस लेनी है तो कुमकुम गौतम को फॉलो कर लेना है, और अगर प्लस क्लासेस लेनी है तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। कुमकुम10 यहाँ पे कोड अप्लाई करना है, जिसके बाद 10% ऑफ मिल जाएगा, और मेरे कोर्सेज के साथ साथ जितने भी CSI UGC नेट के एजुकेटर्स हैं आपको सबकी लाइव कोर्सेज प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये होता है प्लस का पूरा मैटर। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। आप पढ़ते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। सो अगर मैं बात करती हूँ ऑर्थोपोड्स की, क्योंकि तुम्हारा एनिलिड्स के बाद में ऑर्थोपोड्स आता है और बहुत ज़्यादा एडवांस ग्रुप है। सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ की अगर मैं बात करती हूँ तो इंसेक्ट ही सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ पाई जाती हैं, और इंसेक्ट जो होता है वो ऑर्थोपोड्स में होता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको ध्यान में रखना है।
ना द बॉडी इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे एक्टोडर्म भी प्रेजेंट है तुम्हारा, एंडोडर्म भी प्रेजेंट है, और तुम्हारा मीजोडर्म जो है थर्ड वाली जो लेयर है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है। जब तीनों के तीनों जर्म लेयर्स होते हैं एक ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे फॉर्म करती हैं, उस कंडीशन को बोला जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन। तो ये होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। सेगमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेगमेंटेशन की बात करी जाती है, इसका मतलब क्या होता है कि बॉडी जो है नंबर ऑफ सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, नंबर ऑफ सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। जैसे हमने एनिलीड्स में देखा था, ठीक है, एनिलीड्स में ट्रू सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, मतलब वहाँ पे एक्सटर्नल सेगमेंट भी देखने को मिलते हैं और इंटरनल सेगमेंट भी देखने को मिलते हैं। तो ऑर्थोपोड्स की बात करते हैं तो इनकी बॉडी भी सेगमेंटेड होती है, लेकिन इतना ट्रू सेगमेंटेशन नहीं होता जो एनिलीड्स में जिस लेवल का होता है, लेकिन सेगमेंटेशन यहाँ पर भी पाया जाता है, ये याद रखना है। बायलेटरल सिमेट्रिकल। बायलेटरल सिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि अगर तुम कोई भी इंसेक्ट ले लो, जैसे माने ये तुम्हारी इंसेक्ट थी, ठीक है, ये तुम्हारी इंसेक्ट थी, तो तुम अगर इस प्लेन से इसको काटोगे, इस प्लेन से इसको काटोगे तो दो इक्वल हाफ में ये डिवाइड हो जाएगी, राइट हो जाएगा, ये तुम्हारा लेफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर तुम कोशिश करो कि तुम यहाँ से काट लो और तुम्हारे इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो जब एक प्लेन से जब किसी ऑर्गेनिज्म को काटा जाता है वो इक्वली डिवाइड हो जाता है दो पार्ट्स में, लेफ्ट और राइट में, तब उसे बायलेटरल सिमेट्रिकल बोला जाता है, हर प्लेन से ना डिवाइड हो पाए। मतलब रेडियल सिमेट्रिकल क्या होता है, जैसे ये माना तुम्हारा ऑर्गेनिज्म था, तो इधर से काटोगे तब भी डिवाइड हो जाएगा, इधर से काटोगे तब भी इक्वल डिवाइड हो जाएगा, जब इधर से काटोगे इक्वल डिवाइड हो जाएगा, तो इधर से काटोगे तब भी इक्वल डिवाइड हो जाएगा। तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो हर प्लेन से डिवाइड हो सकता है वो होता है रेडियल सिमेट्रिकल, और जो एक प्लेन से हो सकता है वो होता है बायलेटरल सिमेट्रिकल। ओके, नाउ दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब नंबर ऑफ ऑर्गन सिस्टम यहाँ पे आ चुके हैं और वो आने के बाद डिफरेंट डिफरेंट परफॉर्म जो जो फंक्शन है उनको परफॉर्म करने वाले हैं। नाउ द बॉडी इज डिवाइडेड इंटू हेड, थोरेक्स एंड एबडोमेन। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये क्वेश्चन है, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो इंपॉर्टेंट से बोला जाता है। तो अगर मैं आर्थ्रोपॉड्स की बात करती हूँ तो जो बॉडी है, आई थिंक कोई फिगर नहीं है मेरे पास, कोई बात नहीं, मैं ऐसे समझा देती हूँ। जो बॉडी है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। जैसे ये माना मेरा, ये है मेरा तुम्हारा, ये हेड हो गया, ये वाला रीजन, ये हेड हो गया, उसके बाद तुम्हारा थोरेक्स वाला रीजन आता है, थोरेक्स वाला रीजन आता है, और लास्ट में तुम्हारा एब्डोमन वाला रीजन आता है। तो जो बॉडी है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमन में डिवीजन होता है इस बॉडी का, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है। कभी कभी क्या होता है तुम्हारा यू नो हेड और थोरेक्स डिवाइड यू नो आपस में मिल जाते हैं, वो अलग कंडीशन है, वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल इतना याद रखना है जनरल कैरेक्टरिस्टिक में कि जो बॉडी है उसका डिवीजन तीन पार्ट्स में हो रखा है, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन में। नाउ द बॉडी हैज अ जॉइंटेड अपेंडेज। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर, अगर ऑर्थोपोड्स की बात करते हैं और तो अगर पूछा जाता है ऑर्थोपोड्स का मतलब क्या है, पोड्स का मतलब होता है अपेंडेजेस और ऑर्थो का मतलब होता है जॉइंटेड अपेंडेजेस। तो उसका मतलब ये होता है द बॉडी हैज अ जॉइंटेड अपेंडेजेस एंड विच हेल्प इन लोकोमोशन। तो इनके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो ऑर्थोपोड्स का मतलब है यही उसका मतलब है, तो जॉइंटेड अपेंडेजेस का मतलब हो गया जो लोकोमोशन में यहाँ पे हेल्प करने वाले हैं। तो इसको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। द सीलोमिक कैविटी इज फिल्ड विद द ब्लड। तो इनकी जो सीलोमिक कैविटी है वो तुम्हारी ब्लड के साथ फिल्ड रहती है। तो ये क्वेश्चन यू नो आता नहीं है, बट स्टिल फिर भी याद रखना। ना साइज ऑफ सीलोमिक कैविटी बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, दो चीज़ों को समझना। एक बार मैं इसको पूरा रफ कर देती हूँ, क्योंकि रफ करूंगी तभी तुम्हारा कुछ हो पाएगा। एक सेकेंड, देखो देखो यहाँ पे होता है तुम्हारा सीलोम, ठीक है, सीलोमेट्स होते हैं। सीलोमेट्स बेसिकली जिनमें सीलोम प्रेजेंट है, जिसमें कैविटी प्रेजेंट है, गट कैविटी विच इज लाइन बाय द मीसोराम, वी कॉल इट सीलोमेट, ठीक है। नाउ द सीलोमिक यू नो कंडीशन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, एक होता है साइजो सीलोम वाली कंडीशन, एक होती है एंटेरो सीलोम वाली कंडीशन। साइजो का मतलब होता है, साइजो स्टैंड फॉर स्प्लिटिंग, ठीक है, स्प्लिटिंग सीलोम। सो बेसिकली जहाँ पे भी तुम्हारी जो मीसोराम है अगर वो स्प्लिटिंग फॉर्म में होती है ना, ऐसे फॉर्म में प्रेजेंट होती है, उस कंडीशन को बोला जाता है साइजोसीलोम वाली कंडीशन। मतलब एक होता है तुम्हारा एसीलोमेट्स, ठीक है, जो तुम्हारे कौन से होते थे, प्लेटीहेलमिंथेसिस, जिसको हम प्लेटवर्म्स बोल रहे थे। दूसरे होते हैं सूडोसीलोमेट्स, जिसमें हमारे कौन से आते हैं, वर्म्स आते हैं, एनिलीड्स, सॉरी राउंड वर्म्स आ जाते हैं। अब आते हैं सीलोमेट्स। सीलोमेट्स बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, साइजोसीलोम एंड द एंटेरोसीलोम। एंटेरोसीलोम का मतलब होता है गट कैविटी विच इज लाइंड, विच इज कम्प्लीटली लाइंड बाय द मीसोराम, तो एंटेरोसीलोम होगा। जब वो स्प्लिटिंग मीसोराम से लाइन होती है तो साइजोसीलोम होता है। तो ये साइजोसीलोम होते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ साइजोसीलोम से याद रखनी है, जो भी साइजोसीलोम वाले जो यू नो ऑर्गेनिज्म होते हैं, या फिर जो भी फाइलम जिनमें साइजोसीलोम प्रेजेंट है, उन कंडीशन में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोटोस्टोम्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब जिन्हें प्रोटोस्टोम्स बोला जाता है। प्रोटोस्टोम्स का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे तुम्हारा जो पहली ओपनिंग है, जो फर्स्ट ओपनिंग है, वो तुम्हारी माउथ
फॉर्म कर देती है। जो पहला ओपनर बैट्समैन है वो तुम्हारा माउथ का फॉर्मेशन अगर कर देता है तो उस प्रोटोस्टोम कंडीशन बोला जाता है। तो जो साइजोसीलम होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो प्रोटोस्टोम भी होते हैं, मतलब जो पहली ओपनिंग है वो तुम्हारा माउथ का फॉर्मेशन करती है, बाद में तुम्हारा एनस का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर कोई भी एंटेरोसिलोमेट्स है, जैसे तुम्हारा इकाइनोडर्मेटा मैंने माने एंटेरोसिलोमेट्स हैं, वो होते हैं माने नहीं है ठीक है, एंटेरोसिलोमेट्स होते हैं, तो उनके पास जो होती है तुम्हारी जो होते हैं ड्यूटेरोस्ट्रोम्स होते हैं। ड्यूटेरोस्ट्रोम्स का मतलब क्या है, जो फर्स्ट फॉर्मेशन है वो तुम्हारी एनएस की फॉर्मेशन होती है, जो पहली ओपनिंग होती है वो एनएस का फॉर्मेशन करती है। तो ये चीज़ याद रखनी है, कभी पूछा जाएगा डिफरेंस में, ये स्टार्टिंग में मैं करा चुकी हूँ डिफरेंस को भी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था, तो अभी मैंने तुम्हें इसके हिसाब से बता दिया है। दे हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आता है बहुत बार पूछा जाता है कि इनके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है कि जो भी तुम्हारे ऑर्गन्स हैं, जो भी तुम्हारे बॉडी में प्रेजेंट है, सारे के सारे ब्लड में पूरा पूरा तैर रहे हो, एक कोई भी तुम्हारा यहाँ पे वेसल्स नहीं है जिसके थ्रू तुम्हारा ब्लड का फ्लो हो रहा हो, कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है, तो ब्लड प्रेशर भी इनका हाई वाई होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो दे हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको भी याद रखना है, तो इनको हार्ट अटैक वगैरह नहीं पड़ता है ठीक है। द हेड बियर्स अ पेयर ऑफ कंपाउंड आईज ठीक है, तो जो इनका जो हेड रीजन है उसमें कंपाउंड आईज होते हैं, इनको मतलब एक सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करेंगे, तुम्हें अच्छे से देखने में हेल्प करेंगे, कंपाउंड आईज प्रेजेंट है, तो आईज का भी एक अच्छा सा तुम्हारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म प्रेजेंट है, तो ये ध्यान में रखना है। नाउ द एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ काइटिन। तो कभी क्वेश्चन अगर आता है कि क्या तुम्हारे ऑर्थोपोड्स में एक्सोस्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन का मतलब क्या है, एक्सो मतलब बाहर वाली, अपर जो स्केलेटन होता है वो इनका काइटिन से फॉर्म होता है, और काइटिन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी फॉर्म में देखोगे तो मैंने काइटिन जो है इंपॉर्टेंट लगेगी। एक सेकेंड काइटिन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है इस चीज को। प्रोटोस्ट्रोम से बता चुकी हूँ, अगर तुम्हारी पहली ओपनिंग अगर माउथ को फॉर्मेशन करती है तो उसको बोला जाता है प्रोटोस्ट्रोम्स। द टेरेस्ट्रियल ऑर्थोपोड्स एक्सक्रीट थ्रू द मालफीजियन ट्यूब्यूल्स। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक्सक्रीशन जो होता है बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं यहाँ पे वो काम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो ग्लैंड्स हैं वहाँ पे काम करती हैं, तो कोएक्सल ग्लैंड्स हो गया, तुम्हारा ग्रीन ग्लैंड्स हो गया, बहुत सारी ग्लैंड्स अलग अलग काम करती हैं। तो इसका मैं चार्ट प्रोवाइड करने वाली हूँ, कौन सा एनिमल जो है, कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन कौन से किसके थ्रू तुम्हारा एक्सक्रीशन करता है, फिर भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। जो टेरेस्ट्रियल ऑर्थोपोड्स होते हैं वो जिनका जो एक्सक्रीशन होता है मालफीजियन ट्यूब्यूल की वजह से हो पाता है। मालफीजियन ट्यूब्यूल जो बेसिकली ऐसे ट्यूब्यूल्स होते हैं ठीक है, अभी दिखाऊंगी सारी चीज़ें। तो मालफीजियन ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, टेरेस्ट्रियल अगर ऑर्थोपोड्स हैं जैसे तुम्हारे इंसेक्ट्स हो गए, उनमें क्या होता है मालफीजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं जिसके थ्रू उनका एक्सक्रीशन हो पाता है। अगर एक्वेटिक की बात करते हैं तो वहाँ पे ग्रीन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं या फिर कोएक्सल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं एक्सक्रीशन के लिए, तो ये याद रखना है, कोएक्सल ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। देर यूनिसेक्शुअल ठीक है, फर्टिलाइजेशन इज आइदर एक्सटर्नल और इंटरनल, तो यूनिसेक्शुअल है और फर्टिलाइजेशन इंटर भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी जो तुम्हारा हो सकता है। दे हैव अ वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज्यादा वेल डेवलप है, क्यों, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ चुका है, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है, तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वेल डेवलप्ड होता है। दे रिस्पायर थ्रू द जनरल बॉडी सर्फेस और द ट्रेकिया, तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रेस्पिरेशन के मेथड्स हैं, तो वो हम देखेंगे, क्योंकि एक जनरल बॉडी सर्फेस ही नहीं है, ट्रेकिया ही नहीं है, और भी तुम्हारे हैं, तो हम देखने वाले हैं गिज के थ्रू भी करते हैं ये, तो ये हम देखेंगे। दे कंटेन अ सेंसरी ऑर्गन्स लाइक हेयर्स हो गए, तुम्हारे एंटीना वाला पार्ट हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल एंड कंपाउंड आइज, दोनों के दोनों आइज इसमें प्रेजेंट होती हैं, ऑडिटरी ऑर्गन्स होते हैं और स्टेटोसिस्ट होता है विच इज रिक्वायर्ड फॉर बैलेंसिंग ठीक है, ये बैलेंसिंग के लिए रिक्वायर होता है, तो ये स्टेटोसिस्ट भी यहाँ पे पाया जाता है। ये है तुम्हारी कंपाउंड आइज, क्या यहाँ पे तुम्हारी ऑसिलाई प्रेजेंट हैं, और उसके अगर मैं बात करती हूँ माउथ पार्ट्स की, तो तुम्हारा लेबियम हो गया ठीक है, तुम्हारा लेब्रम हो चुका है, यहाँ पे एंटीना भी प्रेजेंट है, मैंडिबल्स प्रेजेंट है, मैक्सिला प्रेजेंट है, तो ये सारी सारी माउथ पार्ट्स हो गए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ ठीक है, और यहाँ पे एंटीना प्रेजेंट है, सेंसरी ऑर्गन की तरह काम कर रहा है, कंपाउंड आइज भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। नाउ टू सेगमेंटेशन बट ओनली द एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, तो मैंने तुम्हें बताया था कि जो एनिलीड्स होते हैं ठीक है, एनिलीड्स में तुम्हारा एक्सटर्नल सेगमेंटेशन भी देखने को मिलता है और तुम्हारा इंटरनल सेगमेंटेशन भी देखने को मिलता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर एनिलीड्स को सेगमेंटेशन से जोड़ा जाए तो। लेकिन ऑर्थोपोड्स में जो होता है तुम्हारा सिर्फ जो है एक्सटर्नल सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा, इंटरनल सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलता है, तो अगर हम ऑर्थोपोड्स की बात करेंगे तो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन दिखेगा, इंटरनल सेगमेंटेशन यहाँ पे नहीं दिखेगा। नाउ हार्ट इज डॉर्सल ट्यूबुलर एंड न्यूरोजेनिक, मायोजेनिक तो नहीं है यहाँ पे, ऑब्वियसली न्यूरोजेनिक है, तुम्हारा यहाँ से पूरा का पूरा ब्रेन से तुम्हारा कोऑर्डिनेटेड होता है, कंट्रोल होता है, डॉर्सल और ट्यूबुलर है ठीक है, जो हमारा हार्ट होता है वो वेंट्रल होता है,
याद रखना है, अगर कभी भी तुम्हारा वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में डिफरेंस पूछा जाए, तो इनवर्टिब्रेट्स का जो हार्ट होता है वो तुम्हारा डॉर्सल साइड में होता है, मतलब पीछे वाली साइड पे होता है, और ट्यूबुलर होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूरोजेनिक होता है। लेकिन अगर वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो वेंट्रल होता है तुम्हारा हार्ट और मायोजेनिक होता है। ठीक है, ये कंडीशन आई होप तुम्हें याद होगी। सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ठीक है। अब नर्व कॉर्ड के बीच में तो बहुत डिफरेंस आता है बेटा। ये जो नर्व कॉर्ड होती है, तुमने खुद देखा होगा तुम्हारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो नर्व कॉर्ड है वो तुम्हारी डॉर्सल साइड पे होती है। डॉर्सल साइड पे होती है अगर मैं बात करती हूँ तुम्हारे वर्टिब्रेट्स की, ठीक है, तो डॉर्सल साइड पे होती है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ इन वर्टिब्रेट्स की, तो ये जो नर्व कॉर्ड होती है बेटा वो तुम्हारी वेंट्रल पोजिशन में होती है, सॉलिड होती है। सॉलिड होगी ये ध्यान में रखना है। यूजली ओवी पेरस बट स्कॉर्पियस वेबी पेरस, तो नॉर्मली जो उनका नेचर होता है वो पेरस का होता है, एग को प्रोड्यूस करते हैं, एग वहाँ पे देते हैं। लेकिन जो स्कॉर्पियन है वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेबी पेरस होते हैं, मतलब यहाँ पे ऑफस्प्रिंग का यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। तो स्कॉर्पियन जो है तुम्हारी वेबी पेरस है, नॉर्मली मोस्ट ऑफ द जो ऑर्गेनिज्म है विच गिव्स राइज टू एग, सो ओवी पेरस होते हैं। पार्थेनोजेनेसिस इज सीन, पार्थेनोजेनेसिस तो यहाँ पे देखने को मिलती है, तो ये भी याद रखना है। पर ट्रू सेगमेंटेशन वाला याद रखना, और यहाँ से क्वेश्चन जो आता है वो तुम्हारा काफ़ी मॉडिफाई करके दे दिया जाता है। जैसे मैंने तुम्हें क्वेश्चन कराया था तुम्हें स्टार्टिंग में, आई थिंक कि यहाँ पे तुम्हारा ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर दे रखी थी, और तुम्हारी जो यहाँ पे दे रखा था वेंट्रल नर्व कॉर्ड, सॉरी नर्व कॉर्ड यहाँ पे दे रखा था, ये तुम्हारी वेंट्रल साइड दे रखी थी, तुम्हारी डॉर्सल साइड दे रखी थी। तो अगर तुम्हारी नर्व कॉर्ड वेंट्रल साइड पे होती है तो ये शो करता है इनवर्टिब्रेट्स को, ठीक है, वर्टिब्रेट्स को शो नहीं करेगा। तो ये तुम्हारा एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो ध्यान में रखना कि ऐसे अगर तुम्हें दिखाते हैं मतलब पूरा फिगर बना के वेंट्रल साइड पे तुम्हारी नर्व कॉर्ड बनाते हैं, तो याद रखना इनवर्टिब्रेट्स की बात हो रही है, वर्टिब्रेट्स की बात नहीं हो रही है। नाउ आर्थ्रोपोड एक्सोस्केलेटन कंसिस्ट क्यूटिकल, तो आर्थ्रोपोड की जो एक्सोस्केलेटन है उसके पास क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, और मैंने बताया कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। सो जो क्यूटिकल है वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है वाटर लॉस को, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से मोल्डिंग भी होती है। जो एक्सोस्केलेटन है जो क्यूटिकल से मिलकर बना हुआ है वो तुम्हारे वाटर लॉस को प्रिवेंट करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ऑल्सो एक्ट एज अ काउंटर फोर्स फॉर द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द मसल्स, जो मतलब मसल्स कॉन्ट्रेक्शन करती हैं उसका काउंटर फोर्स की तरह भी वहाँ पे काम करता है। अब एक्सोस्केलेटन डजंट ग्रो एज अ एनिमल ग्रोस, तो एक्सोस्केलेटन तुम्हारी तो ग्रो नहीं होगी, मतलब माना पहले तुम्हारा, मैं पूरा पूरा तुम्हें मेथड ही समझा देती हूँ, वैसे मैं तुम्हें हॉर्मोन्स में समझा चुकी हूँ, बट स्टिल एक बार और समझा देती हूँ। देखो ये माना तुम्हारा लार्वा था, ठीक है, लार्वा फॉर्म हुआ, एग से तुम्हारा लार्वा फॉर्म हुआ। इस कंडीशन में जो हार्मोन काम करता है, जुविनाइल हार्मोन जो है वो काम करता है। जुविनाइल हार्मोन क्या करता है, इस लार्वा को मोल्ट कराता है लार्वा में, ठीक है, लार्वा का मोल्ट लार्वा में ही कराता है और किसी में नहीं कराएगा। लेकिन तुम्हारा जब प्रोथोरेसिकोट्रॉपिक जो ग्लैंड है, जो प्रोथोरेसिक जो हॉर्मोन्स है वो वहाँ से रिलीज होता है, और एग्डायोसोन का यहाँ पे रिलीज किया जाता है। एग्डायोसोन की जो एक्टिव फॉर्म होती है 20-हाइड्रोक्सी एग्डायोसोन होती है, ठीक है, ये वाली फॉर्म होती है। जब तुम्हारा जुविनाइल हार्मोन और एग्डायोसोन का नॉर्मली कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा इंक्रीज होने लग जाता है, मतलब जुविनाइल का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा कम होने लग जाता है, एग्डायोसोन का इंक्रीज होने लग जाता है, इस कंडीशन में क्या होता है, तुम्हारा लार्वा जो है वो तुम्हारे प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट कंडीशन में क्या होता है, जब तुम्हारे जुविनाइल हार्मोन का सीक्रेशन नहीं आता है और एग्डायोसोन जो है उसका सीक्रेशन बहुत इंक्रीज हो जाता है, तो तुम्हारी प्यूपा की मोल्टिंग होती है, मोल्टिंग होने के बाद में वो एडल्ट का यहाँ पे फॉर्मेशन कर देता है, एडल्ट का फॉर्मेशन कर देता है। अब लार्वा था, ठीक है, लार्वा था, इतना छोटा था, एडल्ट जो इतना बड़ा हो गया, लेकिन क्यूटिकल का जो साइज है वो तुम्हारा छोटा बड़ा नहीं होता है। इस चीज के लिए क्या करना पड़ता है, इस क्यूटिकल को शेड करना पड़ता है, मोल्टिंग करानी पड़ती है, उसको हटाना पड़ता है और न्यू जो क्यूटिकल है यहाँ पे फॉर्म करनी पड़ती है। तो इस कंडीशन को बोला जाता है मोल्टिंग, जब तुम्हारा लार्वा से वो प्यूपा बनेगा, प्यूपा से एडल्ट बनेगा, तो उसको मोल्टिंग करनी पड़ती है, अपनी जो लेयर है जो उसके क्यूटिकल है उसको शेड करना पड़ेगा और नई बनाना पड़ता है। सो द एक्सोस्केलेटन डजंट ग्रो एज अ एनिमल ग्रोस, देयरफॉर इट मस्ट बी शेड एंड रिप्लेस्ड विद अ न्यू वन पीरियडिकली थ्रू द लाइफ, दिस इज कॉल्ड मोल्डिंग। और जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है एग्डायोसोन होता है, उसकी जो एक्टिव फॉर्म होती है 20-हाइड्रोक्सी एग्डायोसोन होती है, तो ये मैं तुम्हें हॉर्मोन्स में करा चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने तुम्हें एक शॉर्ट फॉर्म, एक ब्रीफ आइडिया दे दिया है कि जुविनाइल हार्मोन क्या है और एग्डायोसिन क्या है। तो जुविनाइल हार्मोन क्या करेगा, लार्वा को लार्वा में ही रखने की कोशिश करेगा, जबकि एग्डायोसोन क्या करता है, लार्वा को एडल्ट में कन्वर्ट करने के लिए मोल्डिंग कराता है। नाउ नेक्स्ट,
माल्फिजिन ट्यूब्यूल्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ऑर्थोपोड्स. तो ऑर्थोपोड्स में अगर नॉर्मली पूछा जाए, कॉमन फॉर्म ऑफ एक्सक्रीशन पूछा जाए, तो माल्फिजिन ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं. ऑर्थोपोड्स दे आर फाइन ट्यूब्यूल्स अटैच टू द हाइंड गट. तो अगर तुमसे पूछा जाता है कौन से वाले पार्ट में है, तो हाइंड गट वाले पार्ट में होते हैं. बात इन द हीमोलिम्फ, ब्लड में जो तुम्हारे बात करते रहते हैं, क्योंकि तुम्हारा जो यहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो कोई भी तुम्हारा यहाँ पे आर्टरीज नहीं है, वेन्स नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है. तो जो माल्फिजिन ट्यूब्यूल्स है वो नॉर्मली ब्लड में ही तुम्हारे रहते हैं. ऑफ द हीमोसील फ्रॉम विच दे रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट, और तुम्हारा नाइट्रोजनस वेस्ट को वहां से रिमूव करते हैं. कुछ तुम्हारे हेपेटिक सी के भी प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ द फॉरगट एंड द मिड गट. तो माना ये मेरे फॉर मैं दिखाऊंगी पूरा का पूरा इसको, डोंट वरी. तो जो हेपेटिक सी के होते हैं, इट इज अ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स. ठीक है, 6 से 8 तुम्हारे ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होते हैं, और जिनका फंक्शन क्या होता है, तुम्हारे डाइजेस्टिव ट्यूब्स का सीक्रेशन करना एंड फैसिलिटेट कराना डाइजेशन का. तो डाइजेशन का फैसिलिटेशन कराया जाता है, और तुम्हारे 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हेपेटिक सी के यहाँ पे होते हैं. ठीक है, देख लेते एक बार. तो देखो, अगर ये तुम्हारा फेरिंग्स वाला पार्ट हो चुका है, ये तुम्हारा ईसोफेगस वाला पार्ट हो चुका है, यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, व्हाइट कलर की सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, तो यहाँ पे तुम्हारी सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं. ये तुम्हारा क्रॉप वाला रीजन है. ठीक है, क्रॉप वाले के बाद रीजन आता है तुम्हारा फोरगट से मिडगट वाले रीजन में, जब आता है तुम्हारे हिपेटिक सी के प्रेजेंट होते हैं. 6 to 8 हिपेटिक सी के प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, यही मैंने बताया है. 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो तुम्हारे डाइजेस्टिव ट्यूब्स का सीक्रेशन यहाँ पे कराएंगे. किसार्ड हो गया, उसके बाद तुम्हारा आएगा ये हाइंडगट में क्या होगा, ये हाइंडगट आने वाली है, और हाइंडगट में तुम्हारे नंबर ऑफ माल्फिजिन ट्यूब्यूल्स यहाँ पे पाए जाते हैं. ये जो माल्फिजिन ट्यूब्यूल्स है वो क्या करते हैं, एक्सक्रीटरी वेस्ट को यहाँ पे लेंगे और बाहर यहाँ पे निकाल देंगे. तो ये काम होता है माल्फिजिन ट्यूब्यूल्स का. तो ये याद रखना है, यहाँ पे होते हैं तुम्हारे माल्फिजिन ट्यूब्यूल्स. ये सारा का सारा तुम्हारा क्या बोलते हैं, कंपाइल फॉर्म है ऑर्थोपोड्स की. और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते जाते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे. मैं एक और बार रिवाइज भी करा दूंगी इसको, पहले एक बार समझ लेते हैं. तुम्हारी ऑर्थोपोड्स हो गए. ठीक है, ऑर्थोपोड्स में दो पार्ट्स में डिवाइड होता है. ठीक है, एक होता है चेलिसरेटा और एक होता है मैंडिबलेटा. ठीक है, जिसमें चेलिसरे प्रेजेंट होते हैं या फिर कैलिसरे जो भी बोलते हो तुम लोग, तो ये जो प्रेजेंट होते हैं, तो अगर उसको प्रेजेंट होते तो इन्हें चेलिसरेटा बोलते हैं. अगर तुम्हारे मैंडिबल्स प्रेजेंट होते हैं तो मैंडिबलेटा बोलते हैं. ये मैंडिबलेटा क्या होते हैं बेटा, जो तुम्हारे जो माउथ के पार्ट से. अब इसमें भी फर्दर डिविजन होता है दो पार्ट्स में, एक होता है मीरोस्टोमेटा और थर्ड होता है एरेक्नीडा. ठीक है, मीरोस्टोमेटा और एरेक्नीडा, बेसिकली मीरोस्टोमेटा सबसे तुम्हारा पुराना होने वाला है, प्रिमिटिव होने वाला है. इस कंडीशन में क्या क्या होता है ये हम देख लेते हैं. ठीक है, ये वाला देख लेते हैं. ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैंडिबल की प्रेजेंस को. तो ऑब्वियसली जब ये चेलिसरेटा से बिलोंग करे, मैंडिबलेटा से बिलोंग ही नहीं करे, तो मैंडिबल से ना इसमें होंगे ना इसमें होने वाले हैं. ठीक है, लेकिन अगर मैंडिबलेटा वाले की बात करते हैं, जिसमें क्रस्टेशियंस आते हैं, तुम्हारी इंसेक्ट का क्लास आती है, डिप्लोडा क्लास आती है, चिरोपोडा क्लास आती है. ठीक है, ये तुम्हारी क्लासेस आती है यहाँ पे. अब मीरोस्टोमेटा क्लास में तो तुम्हारे मैंडिबल्स नहीं होने वाले हैं, ना एरेक्नीडा में होने वाले हैं, लेकिन इन सब में तुम्हारे क्या होते हैं, मैंडिबल्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि मैंडिबुलेटा वाली क्लास है, सॉरी मैंडिबुलेटा वाला डिवीजन है पूरा. तो हर क्लास में ये सब चीजें होने वाली हैं. तब हम चेलिसरे की बात करते हैं, तो इन दोनों में ये प्रेजेंट होने वाले हैं, लेकिन जो आप बाकी जो चार हैं उनमें ये सब चीजें प्रेजेंट नहीं होंगी. ठीक है, तो ये कैलिसरी जो है वो तुम्हारे इनमें प्रेजेंट नहीं होंगे, सिर्फ इन दोनों में प्रेजेंट होने वाले हैं. तो ये चीज याद रखनी है. जब हम बॉडी डिवीजन की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है. जब बॉडी डिवीजन की बात करते हैं, तो मैंने तुम्हें बताया था जो बॉडी है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में ये डिवीजन होता है. एक हेड रीजन होता है, एक थोरेक्स रीजन होता है, एक एब्डोमेन रीजन होता है. तो अगर हम बॉडी डिवीजन की बात करते हैं, तो जो मीरोस्टोमेटा होता है उसमें सिफेलोथोरेक्स होता है और एब्डोमेन होता है. सिफेलोथोरेक्स का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे मैंने हेड बताया, थोरेक्स बताया, एब्डोमेन बताया, जब हेड वाला रीजन थोरेक्स से बिल्कुल बाइंड कर जाता है, कंबाइन कर जाता है, ओवरलैप करता है, दोनों को दोनों आपस में मिल जाते हैं, इस कंडीशन को बोला जाता है सिफेलोथोरेक्स. सिफेलो का मतलब होता है हेड रीजन और थोरेक्स का मतलब होता है थोरेक्स वाला. तो जब दोनों के दोनों आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, तुम नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि हेड कौन सा है और थोरेक्स वाला कौन सा पार्ट है, उस कंडीशन में बोला जाता है सिफेलो थोरेक्स. और एब्डोमेन यहाँ पे प्रेजेंट होता है. तो इन तीनों कंडीशन में, स्टार्टिंग वाली तीनों कंडीशन में, जो मैंडिबुलेटा की क्लास है फर्स्ट वाली क्रस्टेशियंस, उसमें भी तुम्हारा सिफेलो थोरेक्स और एब्डोमेन पाया जाता है. तो ये याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बेटा. जबकि अगर मैं इंसेक्टा की बात करती हूँ या डिप्लोपोडा की बात करती हूँ, तो यहाँ पे तुम्हारा पूरा डिवीजन होता है हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन का, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन का. लेकिन जब चिरोपोडा की बात करते हैं, तो यहाँ पे हेड और थोरेक्स रह जाता है, एब्डोमेन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे इंसेक्ट वाला इंपॉर्टेंट है और क्रस्टेशियन वाला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना. मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, वरना आई थिंक फिर
फिर कंफ्यूजन ना हो जाए तुम लोगों को। एक सेकेंड, हाँ चलो। फिर आते हैं रेस्पिरेशन में बेटा। रेस्पिरेशन जो होता है, अगर मेरोस्टोमेटा की बात करते हैं, जहाँ पे तुम्हारा लाइमुलस आने वाला है, वो एग्जांपल मैं बताऊंगी। जो रेस्पिरेशन होता है बुक गिल्स के थ्रू होता है। एक गिल्स होती है जो तुम्हें ऐसे ऐसा स्ट्रक्चर देती है बुक गिल्स की तरह। तो क्योंकि ये एक्वाटिक नेचर के होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो बुक गिल्स के थ्रू इनका रेस्पिरेशन होता है। जबकि अरेकनिडा जो है, तो बेसिकली जहाँ पे तुम्हारी स्पाइडर्स आती हैं, वो बुक लंग्स के थ्रू, एक लंग तुम्हारा प्रिमिटिव लंग टाइप का कुछ होता है, तो वहां से उसके थ्रू रेस्पायर करती हैं ये। क्रस्टेशन जो होते हैं तुम्हारे वाटर में ही पाए जाते हैं, मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक कंडीशन में पाए जाते हैं। तो गिल्स जो है यहाँ पे रेस्पिरेशन का यहाँ पे काम करने वाले हैं। तो बहुत ज्यादा वेराइटीज हैं, अगर मैं आर्थ्रोपोड्स की बात करती हूँ, बहुत ज्यादा रिच है, स्पीशीज रिचनेस सबसे ज्यादा यहाँ पे ही है। इंसेक्टा की अगर मैं बात करती हूँ, तो यहाँ पे ट्रेकिया के थ्रू, ठीक है, जो ट्रेकिया होता है उसके थ्रू यहाँ पे रेस्पिरेशन होता है। डिप्लोपोडा में भी ट्रेकिया के थ्रू होने वाला है, और तुम्हारे चिलोपोडा में भी ट्रेकिया के थ्रू यहाँ पे रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। एक्सक्रीशन, यहाँ से तो क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, और मैंने तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन कराए भी हैं काफी बार, तो देखते हैं। तो तुम्हारा जो मेरोस्टोमेटा होता है वो कॉक्सिल ग्लैंड के थ्रू करता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम ये तुम्हारे कहाँ पे मिलते हैं, एक्वेटिक कंडीशन में मिलते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारे कॉक्सिल ग्लैंड जो है दोनों में, जो कैलिसेरेटा या फिर चेलिसेरेटा वाला जो तुम्हारे क्लासेस हैं, उनमें कॉक्सिल ग्लैंड ही जो मिलने वाली है, जो तुम्हारे एक्सक्रीशन का यहाँ पे काम करने वाली है। अगर जब हम क्रस्टेशंस पे आते हैं, तो वहाँ पे जो काम करती हैं वो ग्रीन ग्लैंड काम करेंगी, या फिर जो एंटीनरी ग्लैंड होती हैं, जिन्हें सेम ग्रीन ग्लैंड ही बोला जाता है, तो दोनों के कॉमन नेम है। सो ये याद रखना है, जो ग्रीन ग्लैंड है क्रस्टेशंस में आते हैं, इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, और ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तो ध्यान में रखना है। इंसेक्ट्स में जो आते हैं, तुम्हारे जो मेन फंक्शन होता है आर्थ्रोपोड्स का, मालफिजियन ट्यूबुल के थ्रू, तो रेस्पिरेशन जो, सॉरी, एक्सक्रीशन जो होता है मालफिजियन ट्यूबुल के थ्रू होगा, जो हाइंडगट पे प्रेजेंट होते हैं, जो जो हीमोसील में पूरे पूरे डूबे रहते हैं, और वहां से जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको रिमूव कर देते हैं। जो डिप्लोपोडा होता है, जो चिलोपोडा होता है, दोनों में भी मालफिजियन ट्यूबुल्स यहाँ पे मिलने वाला है, ये चीज याद रखनी है। एंटीना, बेसिकली जो एंटीना होते हैं, तो बॉडी में जो सेंसरी ऑर्गन की तरह काम कर सकते हैं, जो तुम्हारे सेंस कर सकते हैं कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कौन पास में है, कौन दूर में है, क्या फूड है, क्या नहीं है। तो जो एंटीना है, बेसिकली इन दोनों में प्रेजेंट नहीं होगा, इतने एडवांस नहीं होते हैं। लेकिन अगर क्रस्टेशंस की बात करते हैं, तो दो पेयर ऑफ एंटीना प्रेजेंट होते हैं, जबकि इंसेक्ट में सिर्फ एक पेयर है, और सब में एक पेयर है, सिर्फ दो पेयर जो है तुम्हारे किसमें है, क्रस्टेशंस में है। तो एक एक्सेप्शन आई है, तो ध्यान में रखना इसको, द टू पेयर ऑफ एंटीना आर फाउंड इन द क्रस्टेशन क्लास, तो ये याद रखना। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट। सो एज आई टोल्ड यू, इन द अर्थ वर्म देयर इज अ हीमोग्लोबिन विच वी कैन सी, जो तुम्हारा एक पिगमेंट की तरह काम करेगा। सो इन आर्थ्रोपोड्स, तो तुम्हारे जो मेरोस्टोमेट्स हो गए, एरेक्निडा हो गए, दे डू नॉट हैव एनी रेस्पिरेटरी पिगमेंट, व्हाइल द क्रस्टेशियंस हैव हीमोसाइनिन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द हीमोसाइनिन इज फाउंड इन द क्रस्टेशियंस, जो तुम्हारे पानी में पाए जाते हैं, एक्वाटिक कंडीशन में पाए जाते हैं। तो ये याद रखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है काफी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, तुम्हारे लाइमुलस हो गया, जिसे किंग क्रैब भी बोला जाता है, ठीक है, किंग क्रैब भी बोला जाता है, हॉर्स शू क्रैब भी बोला जाता है, हॉर्स शू क्रैब भी बोला जाता है। ये जो होते हैं लिविंग फॉसिल है। लिविंग फॉसिल का मतलब क्या है, कि एक ऐसी कंडीशन जो तुम्हारे प्रिमिटिव कंडीशन को भी बताती है, और इस टाइम पे भी प्रेजेंट है, उसको बोला जाता है लिविंग फॉसिल्स, जिसमें बहुत कम चेंजेस आए हैं, और तुम उसको सब कुछ देख सकते हो, कि तुम्हारे पास्ट में क्या था, अभी प्रेजेंट में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो लिविंग फॉसिल है ये याद रखना है। एरेक्निडा में आता है पेलेमनियस, एरेनियस, टिक्स। तो जितने भी तुम्हारे टिक्स हो गए, एरेनियस हो गए, स्पाइडर्स वगैरह हो गए, वो एरेक्निडा में आते हैं। क्रस्टेशंस में तुम्हारे पेलिमोन हो गया, यूपेक, हर्मिट क्रैब हो गया, जो क्रैब्स वगैरह जो होते हैं सारे के सारे, डेफनिया हो गया, साइक्लोप्स हो गए, सारे के सारे तुम्हारे क्रस्टेशंस में आते हैं, और जो मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारे पानी वाली कंडीशन में मिलते हैं। इंसेक्टा में तो आई थिंक मैं बताया, हनी बीस हो गया, हाउस फ्लाइज हो गया, मॉथ्स हो गए, ये सारे सारे इंसेक्टा में आते हैं, ये हम अच्छे से पढ़ेंगे, डोंट वरी। डिप्लोपोडा की अगर बात करी जाती है, तो तुम्हारा जूलस आता है, विच बी कॉल्ड मिलीपीड। ये दोनों डिफरेंस पता होना चाहिए, डिप्लोपोडा और चिलोपोडा का, तो ये डिफरेंस मैंने अलग से लिखा हुआ है, फिर भी यहाँ पे एग्जाम्पल याद रख लो। डिप्लोपोडा का मतलब होता है, एग्जाम्पल जो होता है जूलस होता है, जिसे मिलीपीड भी बोला जाता है, क्या बोला है, मिलीपीड, ठीक है। और जो चिलोपोडा होता है, इसका एग्जाम्पल होता है स्कोलोपेंड्रा, स्कोलोपेंड्रा, और स्कोलोपेंड्रा को बोला जाता है सेंटीपीड, सेंटीपीड। अब खतरनाक कौन सा, ये हम देखेंगे आगे, तो पहले आई होगी ये चीज़ यहाँ समझ में आई होगी, और तुम एक बार रिपीट पे देख सकते हो उसको क्लासेस को, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी समझ में नहीं आया है तो। मैं एक बार बता देती हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, और क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, बॉडी, ये सिफेलोथोरिक्स और एब्डोमेन, इसका क्रस्टेशंस का पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, और इंसेक्ट्स का पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। बुक गिल्स, बुक लंग्स,
और तुम्हारा ट्रेकिया, ये तीनों चारों चीजें इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बेटा। कॉक्सल ग्लैंड पता होनी चाहिए किसमें होती है, ग्रीन ग्लैंड पता होनी चाहिए, और माइक्रो सॉरी मालफिजन ट्यूब्यूल्स है ये भी तुम्हें पता होने चाहिए, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। टू पेयर्स पता होना चाहिए, हीमोसाइन पता होना चाहिए, और एग्जाम्पल तो तुम्हें याद होने ही चाहिए। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज है तो तुम देख लेना ध्यान से। और डिप्लोपीडा और माइरो जो चिलोपीडा है वो तुम्हारा माइरीपोड्स में आते हैं, जो अगर मैं सुपर ऑर्डर की बात करती हूँ माइरीपोड्स में आते हैं, माइरीपोड्स ठीक है इसमें आते हैं। तो ये ध्यान में रखना क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैं आगे भी तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगी। सो एग्जाम्पल लाइमुलस जो है तुम्हारा किसका है, लाइमुलस बेटा पहली वाली क्लास का, जो मीरोस्टोमेटा वाली क्लास है वहां पे तुम्हारा लाइमुलस आता है, ध्यान में रखना इसको। लाइमुलस जो है तुम्हारा किंग क्रैब है या फिर हॉर्सशू क्रैब है, जो एक लिविंग फॉसिल है, इसको याद रखना है। जो पेलेमनियस है जो उसको स्कॉर्पियन बोलते हैं, या फिर एरेनियस जो है स्पाइडर बोलते हैं, तो ये याद रखने हैं कि तुम्हारे स्पाइडर कौन है स्कॉर्पियन कौन है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो फिर तुम्हें आने चाहिए वाले क्वेश्चंस, यहाँ से आएंगे क्वेश्चंस ठीक है। एक सेकेंड, चलो ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा पेलीमोन, जो पेलीमोन जो होते हैं तुम्हारे प्रॉन वाली कंडीशन में आते हैं। देखो ये पेलीमोन जो है क्रस्टेशियंस में आते हैं, तो पेलीमोन है ये तुम्हारा प्रॉन है, ये ध्यान में रखना। यूपैग्रेस जो हो गया, हर्मिट क्रैब जो हो गया, तो जो भी तुम्हारे क्रैब्स हो गए, प्रॉन्स हो गए, आई थिंक जो भी नॉर्मली लोग खाते भी इन चीजों को, तो ये सारे सारे जो आएंगे क्रस्टेशियंस में आते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। डेफिनिया हो गया जिसे वाटर फ्ली बोला जाता है, तो ये तुम्हारे कॉमन नेम्स हैं, तो ध्यान में रखना। और जितने भी स्पाइडर्स हो गए, स्कॉर्पियन हो गए, वो सारे सारे अरेकनिडा में आते हैं, जो कैलिसेरेटा पे कैलिसेरेटा को जो क्लास है उसमें मिलेंगे, तुम्हारे अरेकनिडा वाली क्लास में मिल जाते हैं। अभी दोनों चीजें पढ़ते हैं क्योंकि जो लास्ट वाली कंडीशन थी जिसमें मैंडिबुलेटा में चिलोपोडा होता है और डिप्लोपोडा आता है, इसमें क्या डिफरेंस है बेटा ये पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान में रहना चाहिए। देखो ये जो क्रिएचर्स हैं बेटा कार्निवोरस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कार्निवोरस हैं। कार्निवोरस का मतलब क्या है कि ये फीड जो तुम्हारे ये फीड कर सकते हैं तुम्हारे स्मॉल इंसेक्ट्स पे, और बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, ऑल सेगमेंट कंटेन ओनली वन पेयर ऑफ अपेंडेजेस, पेयर ऑफ अपेंडेजेस इसमें होता है। जैसे माना कि ये मेरा हो गया तुम्हारा सेंटीपीड, ठीक है, इसे सेंटीपीड भी बोला जाता है, जैसे मैंने तुम्हें बताया था सेंटीपीड भी बोला जाता है, और इसका नाम जो है स्कोलोपेंड्रा है, ठीक है स्कोलोपेंड्रा, ठीक है ये होगा, और इसको सेंटीपीड भी बोला जाता है, तो अगर किसी नाम से आए तो याद रखना है। तो ये क्या होता है कि जैसे ये माना, तो इसके एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे, मतलब ये सेगमेंट था तो इस पे एक पेयर ऑफ तुम्हारा अपेंडिजेस होगा, दूसरा सेगमेंट आया इस पे एक पेयर ऑफ अपेंडिजेस होगा, ठीक है तीसरा है तो इस पे पेयर ऑफ अपेंडिजेस होगा, तो इसमें ये प्रेजेंट होता है, ऐसे ये वाला जो ऑर्गन है वो ऐसे प्रेजेंट रहता है, ठीक है आई होप अब समझ में आ गया होगा। दे हैव अ पेयर ऑफ पॉइजन फैंग्स ऑन द पोस्टर एंड ऑफ द बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट, जो पोस्टर एंड ऑफ द बॉडी होता है इसके पास पॉइजनर पॉइजन जो फैंग है जो तुम्हारे सांप में भी जो होते हैं उस टाइप का कुछ होता है, पॉइजन फैंग्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या कर सकता है ये तुम्हारा अगर काट लेता है तो तुम्हारे अंदर पॉइजन को पहुंचा सकता है, तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और भयानक भी होता है। तो जो सेंटीपीड है कार्निवोरस इन नेचर होते हैं, स्मॉल इंसेक्ट्स से फीड करते हैं, एक पेयर ऑफ अपेंडेजेस प्रेजेंट होता है एक पर्टिकुलर सेगमेंट्स पे, पॉइजन फैंग्स भी प्रेजेंट होते हैं ऑन द पोस्टर एंड ऑफ द बॉडी, तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा ये याद रखना है। जब हम डिप्लोपोडा पे आते हैं जिसे जूलस भी बोला जाता है, और जूलस के साथ साथ तुम्हारा क्या बोला जाता है इसको, एक सेकेंड, जूलस के साथ तुम्हारा क्या बोला जाता है मिलीपीड, सॉरी मैं नाम स्किप हो गया माइंड से, हाँ मिलीपीड बोला जाता है, जबकि इसको तुम्हारा सेंटीपीड बोला जाता है। कुछ भी नाम दिया जाए तो ध्यान में रखना है जूलस की बात क्या हो रही है। जो जो मिलीपीड्स होते हैं वो तुम्हारे हर्बीवोर नेचर के होते हैं, जबकि तुम्हारे कैसे थे कार्निवोर नेचर के थे, ये हर्बीवोर नेचर के होते हैं, तो मतलब ये तुम पे तो फीड नहीं करने वाले हैं। तो इसके जो बॉडी सेगमेंट होता है, जैसे कि मैंने माना ये वाला तुम्हारा जूलस हो गया, तो ये सेगमेंट हो गए इसके, ठीक है सेगमेंट हो गए, इसमें क्या होता है टू पेयर ऑफ अपेंडेजेस होते हैं, मतलब दो यहाँ पे दो यहाँ पे दो यहाँ पे दो यहाँ पे, ठीक है इसके टू पेयर ऑफ अपेंडेजेस होते हैं, ऐसे ये प्रेजेंट होता है जूलस, तो ये याद रखना है। कभी कभी सेगमेंट्स में डिफरेंस आता है, ये मजाक नहीं है, ये सच में आता है। मोस्ट मिलीपीड्स टेंड टू रोल देयर बॉडी रिजेम्बलिंग अ फ्लैट कॉइल और स्फेयर एज अ डिफेंसिव एक्शन, तो इसके पास कोई पॉइजन फेंग तो है नहीं बेटा, तो कोई भी अगर आने वाला होता है तो खुद को ऐसे कॉइल करके रख लेता है कि मुझे कोई आएगा तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि मैं हूँ कौन। Now, millipedes have a pair of glands in each segment that produce a bad smelling fluid, which is also called defensive action. तो इसके पास पॉइजन फैंग्स तो है नहीं ना, ये कार्निवोर नेचर का है तो हर्बीवोर नेचर का है, तो बेचारा कैसे बचा सकता है कि इस पे के पास कुछ स्टिंक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ये जो ग्लैंड्स क्या करती हैं, ये तुम्हारा एक गंदी सी स्मेल निकालती है, जिसकी वजह से कोई भी जो तुम्हारा प्रेडेटर आ रहा है इसको खाने के लिए वो ना खा पाए, तो
ये डिफरेंस याद रखना, सेंटीपीड क्या होता है स्कोलोपेंड्रा, और डिप्लोपेडा जूलस और मिलीपीड। इसमें वन पेयर ऑफ अपेंडेजेस, इसमें टू पेयर ऑफ अपेंडेजेस हैं। ये कार्निवोरस है, ये हर्बीवोरस है। इसमें पॉइजन फैंग प्रेजेंट होते हैं, इसमें पॉइजन फैंग प्रेजेंट नहीं होते हैं। आते हैं इंसेक्ट्स पे, इंसेक्ट्स का ऑर्डर बेटा यहाँ से क्वेश्चन आता आता है, इसलिए मैंने तुम्हें एक पूरा पूरा ये बना के दे रही हूँ। तो जिन बच्चों से ये याद हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बेटा आएंगे आएंगे। तो अगर याद हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर एक बार ट्राई तो कर ही सकते हो। देखो जो इंपॉर्टेंट है वो तुम्हारा कॉलियोप्टेरा, ये कुछ कुछ ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा और बहुत सारे होते हैं ऑर्डर्स, लेकिन यही इंपॉर्टेंट है। कॉलियोप्टेरा, कॉलियोप्टेरा में जो आते हैं तुम्हारे लेडी बग्स हो गए, ठीक है, या फिर स्कैरब बीटल्स हो गए, या फिर लाइटनिंग बग्स हो गए, ये इसमें आते हैं। तो लेडी बग याद रखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे तुम्हारा कलीफ्लावर है, कलीफ्लावर एक फीमेल का लगता है, एक फीमेल को रिप्रेजेंट सा करता है। तो ऐसे याद रखना, जब लेडी बग्स आएगा तो कॉलिप्टेरा को रिप्रेजेंट करने वाला है। और यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस जो है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है, ठीक है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है, इनकम्प्लीट नहीं है। तो तुम्हारा कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस यहाँ पे मिलता है, लावा प्यूपा एडल्ट पूरा पूरा यहाँ पे कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस यहाँ पे दिखेगा। डिप्टेरा जो क्लास है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिप्टेरा मतलब उसकी दो दो चीजें हैं, एक तो मॉस्किटोज हो गया, एक फ्लाइज हो गया। तो दो चीजें इन्वॉल्व होती है इसमें, फ्लाइज इन्वॉल्व होती है, मॉस्किटोज इन्वॉल्व होते हैं। तुम्हें पता है मच्छर खाते रहते पूरा दिन, ठीक है, वो क्या करते रहते हैं तुम्हारे ब्लड में डिप मारते रहते हैं। डिप मारते रहते हैं मतलब क्योंकि तुम्हारा ब्लड चूसते हैं तो डिप मारते हैं। तो अगर डिप्टेरा से आएगा तो तुम्हें मॉस्किटोज याद रखने हैं, मच्छर याद रखने हैं, फ्लाइज याद रखनी है। और यहाँ पे भी जो मेटामॉर्फोसिस होता है बेटा, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, इसको भी याद रखना है। अब आते हैं हेमिप्टेरा। हेमिप्टेरा जो होता है तुम्हारा जाइंट वाटर बग होता है, जिसमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर याद हो जाता तो बहुत अच्छी बात है। डिप्टेरा इंपॉर्टेंट है और पॉलिप्टेरा भी याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं लेपिडोप्टेरा, ये इंपॉर्टेंट है। लेपिडोप्टेरा मतलब लिपिड्स का कुछ खाने वाले जो होते हैं। सो बेसिकली जो अच्छा अच्छा खाते हैं, जो लिपिड वाली चीजें खाते हैं, जो अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं, वो बटरफ्लाइज हो गया, मॉथ्स हो गया, यू नो सुंदर सुंदर चीज है। मॉथ्स कितना सुंदर होता है, उसमें कितने डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं, बटरफ्लाइज कितनी सुंदर होती है। तो जो लिपिड खाएंगे, तो ये सिर्फ नाम याद करने का तरीका है, ये कुछ खाते वाते नहीं है, ठीक है। लेपिडोप्टेरा जो है तुम्हारा, उसे ऐसे याद रखोगे तो याद रहेगा। तो यहाँ पे भी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है। तो पूरा यहाँ पे तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, तुम्हारा लार्वा बनेगा, प्यूपा बनेगा, प्यूपा के बाद एडल्ट का फॉर्मेशन होगा। तो ये सारी सारी चीजें यहाँ पे होती रहती हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ऑर्थोप्टेरा की अगर मैं बात करती हूँ, तो ऑर्थोप्टेरा में क्या आता है, ग्रास ऊपर हो गया तुम्हारे, ठीक है, ग्रास ओवर हो गया, लोवेस्ट हो गए, इनमें क्या होता है, इनकम्प्लीट तुम्हारा मेटामॉर्फोसिस होता है। तो ग्रास ओवर का याद रखना है, यहाँ पे इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। हाइमेनोप्टेरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसको जब तुम्हारा वो पढ़ते हैं एनिमल बिहेवियर जब पढ़ते हैं, तो हाइमेनोप्टेरा को बहुत यूज आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये याद में रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे बीज हो गए तुम्हारी, वॉस्प हो गए, एंट्स हो गए, ये सारे के सारे क्या है तुम्हारे, कि जो एक सोसाइटी फॉर्म करते हैं, एक सोशल स्ट्रक्चर की तरह वहां पे दिखते हैं हमें। तो ये एंट्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो हाइमेनोप्टेरा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। और यहाँ पे कंप्लीट, तुम्हें कंप्लीट यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस दिखता है, तो ये ध्यान में रखना। ब्लेटोडिया जो है कॉकरोचेस में इनकम्प्लीट तुम्हारी मेटामॉर्फोसिस होती है। तो कॉकरोचेस हो गए, बटरफ्लाइज, सॉरी ग्रास ऊपर हो गया, इन सब में इनकम्प्लीट दिखने वाला है। जबकि तुम्हारे डिप्टेरा हो गया, डिप्टेरा का मतलब जो डिप करते हैं, फ्लाइज और मॉस्किटो, वहां पे तुम्हारा कंप्लीट दिखेगा। कॉलिप्टेरा, कॉलिप्टेरा मतलब फीमेल वाला है, डेडी बग होगा, यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। लेपिडोप्टेरा जो लिपिड्स पे फीड करते हैं, जैसे तुम्हारा बटरफ्लाई हो गया, मॉथ्स हो गया, यहाँ पे भी कंप्लीट तुम्हें वो दिखता है, मेटामॉर्फोसिस दिखता है। हाइमेनोप्टेरा की बात करते हैं, बीज हो गया, बटरफ्लाइज, सॉरी वॉस्प हो गए तुम्हारे, और एंट्स हो गए, ये सारे के सारे यहाँ पे कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं। तो इस चीज को याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। और क्या क्या इंपॉर्टेंट है एक और बार दिखा देती हूँ इसको रिमूव करके। तो तुम्हारे कॉलिप्टेरा का लेडी बग याद रखना, डिप्टेरा का फ्लाइज और मॉस्किटो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होने वाली है, और लेपिडोप्टेरा लिपिड्स वाले जो होंगे, फ्लाइज और बटरफ्लाइज हो जाएगा, यहाँ पे कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होने वाली है। ऑर्थोप्टेरा जो है, ऑर्थो, ठीक है, ऑर्थो मतलब उसके पैर थोड़े ठीक ठाक नहीं है, तो ऑर्थो मतलब ग्रास ऊपर जो होगा तुम्हारा, ठीक है, ऊपर है मतलब ग्रास पे चलने वाला है, क्योंकि वो लंबा नहीं है तो उसको ग्रास पे ही चलना पड़ेगा। तो ऑर्थोप्टेरा जो होगा इनकम्प्लीट हमें मेटामॉर्फोसिस होने वाला है। हाइमेनोप्टेरा की जब बात करते हैं, तो बीस हो गया तुम्हारा, वॉस्प हो गया, एंट्स हो गए, यहाँ पे कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, तो ये भी याद रखना है। ब्लेटोडिया जो है तुम्हारा कॉकरोचेस है, और यहाँ पे इनकम्प्लीट जो है दिखता है। तो दो चीज याद रखनी है, कॉकरोचेस आए चाहे
या फिर तुम्हारा क्या है, या फिर तुम्हारा ग्रास ऊपर आए, दो तो चीजें आए तो ये तुम्हारा इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस को शो करते हैं। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस शो करेंगे, और जो हमारे बीज हो गए, वॉस्प हो गए, एंट्स हो गए, बटरफ्लाइज हो गए, मॉस हो गई, फ्लाइज, मॉस्क्यूरोज, लेडी बग, सारी सारी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस को शो करते हैं, तो ये भी याद रखना है, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा आएगा, ध्यान में रखना है। और ये कनेक्टिंग लिंक में तुम्हें नेक्स्ट क्लास जब होगी, आई थिंक जब भी तुम्हारे एग्जाम से पहले होगी, कनेक्टिंग लिंक सारे सारे मैं तुम्हें बता दूंगी कौन कौन से कनेक्टिंग लिंक्स होते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। बेटा अगर पेरिपेटस की बात करी जाती है, पेरिपेटस जो होता है कनेक्टिंग लिंक होता है तुम्हारे एनिलीड्स और ऑर्थोपोड्स के बीच में, मतलब जो एनिलीड्स हैं और जो ऑर्थोपोड्स हैं इनके बीच में एक कनेक्टिंग लिंक होता है विच बी कॉल्ड पेरीपेटस। ये नाम का एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें तुम्हारे कुछ एनिलीड्स के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कुछ ऑर्थोपोड्स के कैरेक्टरिस्टिक है होते हैं। तो मैं डिसाइड मतलब हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि वो एनिलीड्स में जाने वाले हैं, ऑर्थोपोड्स में जाने वाले हैं, तो एक कनेक्टिंग लिंक की तरह यहाँ पे काम करते हैं। कैसे काम करते हैं देख लेते हैं एक बार। पेरीपेटस इज अ प्रिमिटिव ऑर्थोपोड, एक प्रिमिटिव ऑर्थोपोड है जिसके पास जॉइंटेड पेयर्ड लेग है। तो मतलब इसमें पेरीपेटस में अगर जॉइंटेड तुम्हारे पेयर्ड लेग्स हैं तो मतलब ये ऑर्थोपोड्स का कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है। कंपाउंड आइज हैं, ट्रेकिया है एंड लाइक अदर ऑर्थोपोड्स, बट ऑल्सो डिस्प्ले सम एनिलिडियन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज वॉर्म लाइक सेगमेंटेड बॉडी। जो सेगमेंटेशन जो हमें देखने को मिलता है एनिलिड्स में, वही सेगमेंटेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। जो एक वॉर्म लाइक बॉडी तुम्हारी देखने को मिलती है एनिलिड्स में, वही बॉडी यहाँ पे देखने को मिलती है। नॉन काइटिनस क्यूटिकल, तो हमने पढ़ा था कि इसमें हमारे जगह में ऑर्थोपोड्स की बात करती हूँ तो यहाँ पे काइटिन की क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, लेकिन यहाँ पे नॉन काइटिनस क्यूटिकल प्रेजेंट होती है जो तुम्हारी एनिलिड्स के कैरेक्टरिस्टिक को शो करती है। सेगमेंटल नेफ्रिड, या बेटा नेफ्रिड है तो यहाँ पे पढ़ा ही नहीं हमने, जब आर्थ्रोपोड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे मालवीजियन ट्यूब्यूल से तुम्हारा कॉक्सल ग्लैंड था, ग्रीन ग्लैंड था, लेकिन यहाँ पे नेफ्रिडिया प्रेजेंट नहीं थे। नेफ्रिडिया जो पार्ट है, जो नेफ्रिडिया एक्सक्रीशन का जो ऑर्गन है, ये सिर्फ तुम्हारे एनिलिड्स में होता है, तो ये एनिलिड्स वाले कैरेक्टरिस्टिक भी यहाँ पे शो करता है, इसलिए इसको बोला जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एनिलिडा एंड ऑर्थ्रोपोड्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, पेरीपेटस याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा आएगा, सो पेरीपेटस को याद रखना। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं एक बार ये देख लेते हैं, अगर तुम्हारे कभी क्वेश्चन में आ गए तो। अगर स्पाइडर्स की बात करते हैं तो स्पाइडर्स में एक्सक्रीशन जो होता है, ठीक है, ये एक्सक्रीशन जो होता है तुम्हारे कोएक्सल ग्लैंड की वजह से होता है, ये तुम्हें मैंने बता चुकी हूँ। कभी कभी क्या होता है, तुम्हारी नॉर्मली जो एक्सक्रीशन जो नाइट्रोजनस बेस्ड होता है वो रिमूव हो जाता है, इसमें ग्वानिन भी कभी कभी रिलीज होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की तरह, तो ये ध्यान में रखना है स्पाइडर्स में ये चीज़ होती है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट इज पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस का बेसिकली जो तुम्हारा यहाँ पे तीन टाइप की पार्थेनोजेनेसिस देखने को मिलती है, ये ध्यान में रखना है। पहली होती है अरेनोटॉकी, सेकेंड होती है थिलाइटॉकी और थर्ड होती है एम्फीटॉकी। एरेनोटॉकी बेसिकली हमें देखने को मिलती है जब हम बीज की बात करते हैं, हनी बीज की बात करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि तुम्हारा वही मैंने एनिमल बिहेवियर से जोड़ के यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसको ध्यान में रखना। देखो अरेनोटॉकी में क्या होता है कि तुम्हारा अगर मेल फॉर्म्ड होता है, मतलब क्योंकि अनफर्टिलाइज्ड एग से फॉर्म होता है, अगर अगर वहाँ पे मेल फॉर्म होता है अनफर्टिलाइज्ड एग से, तो ये होता है तुम्हारा अरेनोटॉकी। अरेनोटॉकी में क्या होता है, अगर मेल का फॉर्मेशन होता है, जैसे एग्जाम्पल तुम्हारे ड्रोन्स, तुम्हें पता है ड्रोन्स जो होते हैं अनफर्टिलाइज एग से प्रोड्यूस होते हैं, और तो जबकि फीमेल्स होती है जो फर्टिलाइज एग से प्रोड्यूस होती हैं, तो जो ड्रोन्स होते हैं बीज में, वो एग्जाम्पल होता है अरेनोटॉकी का। ये इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लो, पार्थेनोजेनेसिस के अरेनोटॉकी यहाँ पे एग्जांपल होता है। जब हम थिलाइटॉकी की बात करते हैं, थिलाइटॉकी का मतलब क्या हुआ, जब तुम्हारी फीमेल का फॉर्मेशन अनफर्टिलाइज्ड एग से होता है, उस कंडीशन में तुम्हारा क्या बोला जाता है, थिलाइटॉकी बोला जाता है। जैसे लेसर्टा हो गया, टिफलीना हो गया, इन कंडीशन में क्या होता है, लेसर्टा, ठीक है, इन कंडीशंस में क्या होता है, तुम्हारा फीमेल का जो फॉर्मेशन है वो पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू होता है, तो ये ध्यान में रखना है। एम्फीटॉकी का मतलब क्या होता है, एम्फी मतलब बोथ, ठीक है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, अगर दोनों का फॉर्मेशन तुम्हारा पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू हो रहा है, इफ बोथ आर फॉर्मिंग थ्रू द पार्थेनोजेनेसिस देन वी कॉल्ड एम्फीटोकी, और एग्जाम्पल है एम्फिट्स, जो एम्फिट्स होते हैं इसका एग्जाम्पल होता है। तो ये तीनों चीजें याद होनी चाहिए। एरेनोटॉकी मतलब जब मेल का जब फॉर्मेशन तुम्हारा पार्थेनोजेनेसिस से होगा, थिलाइटॉकी मतलब जब फीमेल का तुम्हारा पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू होगा, और एम्फी का मतलब जब दोनों मेल और फीमेल दोनों का, जब आप दोनों भी अनफर्टिलाइज्ड एग से फॉर्म होते हैं, तो इस कंडीशन को एम्फीटॉकी बोला जाता है। एग्जांपल जो होता है एम्फिट्स, इसका एग्जांपल होता है। देखो कुछ डिजीजेस ज्यादा इंपॉर्टेंट थी तो वो मैंने यहाँ पे लिख दी है, एक बार तुम इनको देख लेना, क्योंकि ये प्रीवियस इक्वेशंस के कुछ कंपाइल फॉर्म है, तो ये ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत बार पूछे गए हैं और बच्चों को ये पता भी नहीं होता, जो पता होते हैं वो नहीं लिखे हैं, जो नहीं पता होती है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है।
देखो बोरेलिया अगर पूछा जाता है, बोरेलिया क्या कॉज करता है, एक लाइम डिजीज है उसको कॉज करता है, ये बहुत बार पूछा गया है बेटा, बहुत बार, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है लाइम डिजीज को जो कॉज करता है वो बोरेलिया होता है। अगर ब्यूबोनिक प्लेग की बात करें, प्लेग जो बेसिकली होता है वो तुम्हारी किसकी वजह से होता है, यर्सीन या पेस्टिस रिस्पॉन्सिबल होता है इस ब्यूबोनिक प्लेग के लिए, तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो प्लीज याद रखना। रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, तो कम मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि तुम्हारे जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिकेट्सिया जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर के लिए, क्यू फीवर आया हुआ है ये याद रखना है, तो कॉक्सिलिया बर्नेटा ही होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है क्यू फीवर के लिए, तो बोरेलिया बहुत बार आया हुआ है, क्यू फीवर बहुत बार आया हुआ है, तो इस चीज को याद रखना है। और रिकेट्सिया का तुम्हारा बार बार पूछा जाता है क्या कॉज करता है, तो एक माउंटेन स्पॉटेड फीवर होता है इसको कॉज करता है, और जो क्यू फीवर है उसको कौन कॉज करता है, कॉक्सिलिया बर्नेटा ही रिस्पॉन्सिबल होता है इस चीज के लिए, इसको याद रखना क्वेश्चन आएंगे। देखो ये मैं क्लास में इसलिए ये बता रही हूँ क्योंकि लार्वे मैंने बच्चों को दिए थे कहाँ पे अन अकेडमी पे, तो मैं सोचा तुम लोगों के लिए भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिन्होंने लास्ट से क्लास देखी होगी उन्हें लार्वे मिल जाएंगे और जिन्होंने नहीं देखी है उनको नहीं मिलेंगे, तो मैंने स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बताया कि जो पूरा बच्चा पूरा क्लास देखेगा उसको ये लार्वे वहाँ पे मिल जाएंगे। देखो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए अगर पॉलीफेरेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे तुम्हारा एम्फीब्लास्टुला जो है, ठीक है, ये लार्वा होता है, ये किसका लावा होता है, साइकेट जो है उसका लावा होता है एम्फीब्लास्टुला। अब इसमें एक और लावा होता है तुम्हारा पेरेनकाइमुला, जो पेरेनकाइमुला लावा होता है वो ल्यूकोसुलेनिया का होता है, क्योंकि मैं पूरा को पूरा तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ तो तुम्हारे इसलिए मैं इसको आज करा रही हूँ पूरा रिविजन के फॉर्म में क्योंकि एग्जाम आने वाला है, तो ये ध्यान में रखना ये इंपॉर्टेंट है। एम्फीब्लास्टुला जो हो गया तुम्हारा साइकिन का हो गया, जो पेरेनकाइमुला हो गया ल्यूकोसुलेनिया का तुम्हारा लावा हो जाता है। सीलन ट्रेट्स की अगर मैं बात करती हूँ तो सीलन ट्रेट्स में दो लावे होते थे, एक होता था ई फायर लावा और एक होता था प्लेनर लावा। जो ई फायर लावा होता है वो तुम्हारा ऑरेलिया का होता है, ऑरेलिया को क्या बोलते हैं बेटा, जेली फिश बोला जाता है, तो ई फायर का जो लावा है वो ऑरेलिया में पाया जाता है। प्लेनुला लावा जो होता है ओबेलिया में होता है, जो हाइड्रा लाइक दिखता है, थोड़ा तुम्हारा सेडेंट्री होगा, वो मूव नहीं कर पाएगा, तो जो प्लेनुला लावा होता है वो ओबेलिया का होता है। टीनोफोर के लावा का नाम है सिडिपिड लावा, तो ये भी याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है। प्लेटी हेलमेट जिसके लाभ तुम्हें पता होनी चाहिए क्योंकि इसे ये फेस्यूला वाला जो है ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, तो ध्यान में रखना है। टीनिया जो होता है, टीनिया सोलियम, उसका जो लाभ होता है वो सिस्टी सरकाई होता है, ठीक है। फेस्यूला का जो होता है मेरासिडियम हो गया, स्पोरोसिस्ट हो गया, रेडिया हो गया, सर्केरिया हो गया, मेटा सर्केरिया हो गया, ये तुम्हें पूरा का पूरा ऑर्डर में याद होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन जो है तुम्हारे ऑर्डर में आता है। तो तुम्हारा क्या होगा, पहले मेरासिडियम होगा, फिर तुम्हारा स्पोरोसिस्ट बनेगा, स्पोरोसिस्ट के बाद रेडिया बनेगा, रेडिया के बाद सर्केरिया बनेगा, और सर्केरिया के बाद मेटा सर्केरिया यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। तो ये पूरा पूरा अरेंजमेंट याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन जो होता है वो अरेंजमेंट के फॉर्म में भी आता है। निमेटोड्स की अगर मैं बात करती हूँ तो वुचरेरिया बेसिकली, सॉरी, माइक्रोफिलेरे जो होता है यहाँ पे तुम्हारा लार्वा होता है, ये याद रखना है। और निमेटोड्स में जो डिजीज है सबसे इंपॉर्टेंट एस्केरियासिस है, जो एस्केरिस में जो लार्वा फॉर्म होता है, रेबुटी फॉर्म जो लार्वा है यहाँ पे फॉर्म होता है, तो अगर इन दोनों में से कोई लार्वे पूछे जाते हैं तो वो निमेटोड्स के होने वाले हैं, ये याद रखना। एनलीड्स में एक ही लार्वा होता है, ट्रोकोफोर लार्वा, ये मैं तुम्हें करा चुकी हूँ ट्रोकोफोर लार्वा को, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। मोलस्क में तीन लार्वे होते हैं, मोलस्क अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, जब मैं पढ़ाऊंगी तो मैं अच्छे से समझा दूंगी। तो ग्लॉचिडियम जो लार्वा होता है वो तुम्हारा किसका होता है, यूनियो का होता है, जो ट्रोकोफोर लार्वा भी यहाँ पे पाया जाता है, इनलीड्स में भी पाया जाता है, और यहाँ पे एक वेलिजल लार्वा भी होता है जो तुम्हारे गैस्ट्रोपोड्स में आता है, और गैस्ट्रोपोड्स में क्या होता है बेटा, टॉर्जन होता है, टॉर्जन होता है यहाँ पे, तो ये जब मैं तुम्हें समझाऊंगी तब तुम्हें अच्छे से पढ़ा दूंगी, फिलहाल इतना याद रखना। जब हम इकाइनोडर्मेटा पे आते हैं बेटा, इकाइनोडर्मेटा पे क्या होता है तुम्हारा, होलोथुरिया होगा, होलोथुरिया में मतलब क्या होता है, ऑरिक्यूलेरिया जो लावा होता है वहां पे पाया जाता है, ठीक है, ऑरिक्यूलेरिया लावा पाया जाएगा। ब्रिटल स्टार में पाया जाता है ऑफियो प्लूटस, ठीक है, क्योंकि उसका नाम नॉर्मली जो ऑफियो वाली जो कंडीशन होती है वो ऑफियो प्लूटस से आती है। एस्टेरिस जो है स्टार फिश है, स्टार फिश में तुम्हारे बिपिनेरिया ब्रैक्यूलेरिया दोनों के दोनों लार्वा यहाँ पे पाए जाते हैं, बिपिनेरिया एंड ब्रैक्यूलेरिया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बेटा क्वेश्चन आते आते हैं। जो इकाइनस है, ठीक है, जिसे सी अर्चिन भी बोला जाता है, ये तुम्हारा इकाइनोप्लूटस, इसमें लार्वा पाया जाता है, जबकि एंटीडोन जो है तुम्हारा उसमें डोलियोलेरिया लार्वा पाया जाता है। तो ये सब मैं तुम्हें कराऊंगी इकाइनोडर्मेटा में, डोंट वरी, जब तक तुम्हें लार्वा एक बार पढ़ लेना। देखो आज हमने ऑर्थोपोड्स करा है, एक बार कलर चेंज कर लेती हूँ, अगर आज हमने ऑर्थोपोड्स पढ़ा है उसके बारे में बात कर लेते हैं।
जो तुम्हारा कैटरपिलर बताया मैंने, जो बटरफ्लाई हो गया, तुम्हारा सिल्क मॉथ हो गया, उसमें जो लार्वा होता है बेटा वो कैटरपिलर लार्वा होता है। सिल्क मॉथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिल्क मॉथ में क्वेश्चन आते हैं। तो जो सिल्क मॉथ मैंने बताया, इसमें जो लार्वा होता है वो होता है कैटरपिलर, और ये जो होता है तुम्हारा कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या है, तुम्हारा लार्वा बनेगा, फिर तुम्हारा प्यूपा बनेगा, फिर एडल्ट बन जाएगा, ठीक है। ग्रब जो होता है वो तुम्हारे बीटल्स का होता है, ये इंपॉर्टेंट है। जो तुम्हारी हाउस फ्लाई होती हैं, ठीक है, जो तुम्हारे घर पे मिल जाती है नॉर्मली, ये जो हाउस फ्लाई होती है उनका जो लार्वा होता है वो मैगोट लार्वा होता है। कौन सा होता है, मैगोट लार्वा प्रेजेंट होता है। जो क्रैब है, जो क्रस्टेशंस में आते हैं, उसमें मेगालोपा जोइया जो लार्वा है वो क्रैब में पाए जाते हैं। प्रॉन्स बेसिकली जो क्रस्टेशंस हैं उसमें नोप्लियस लार्वा पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन में आया हुआ है नोप्लियस वाला, तो इसको याद रखना है। मॉस्किटो में जो आता है रेगुलर लार्वा आता है। तो ये सारे सारे लार्वा मैंने तुम्हें बता दिए कि कौन कौन से लार्वा यहाँ पे आते हैं। बेलेनोग्लॉसस जो होता है उसमें टोनेरिया लावा आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहाँ से तुम्हारा नोप्लेस में क्वेश्चन आया हुआ है और तुम्हारा हाँ ये और कैटरपिलर वाला, ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों के दोनों ये कर लेना, और अगर हो सके तो सारे सारे कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बेलेनोग्लॉसस जो है टोनेरिया लावा उसमें मिलता है। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट है तुम्हारे पास, ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं कराती हूँ। चलो, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्थोपोड्स। तो कौन कौन से जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ऑर्थोपोड्स के हैं, हमें ये पूछा गया है। प्रोटोस्टोम डेवलपमेंट, ये तो मैंने बताया कि जो माउथ का फॉर्मेशन होता है, जो पहली ओपनिंग होती है उसे माउथ का फॉर्मेशन होता है, तो ये तुम्हारा बिल्कुल सही हो गया है, माउथ का फॉर्मेशन होता ही होता है। यहाँ पे बायलेटरल सिमेट्रिकल होता है, तो बायलेटरी सिमेट्रिकल जो में ऑर्गेनिज्म है ये दिखता है, जहाँ पे हम एक प्लेन से इसको इक्वली डिवाइड कर सकते हैं राइट और लेफ्ट में। तो ये करने वाला जो कंडीशन है, मतलब डिवाइड करने वाला जो कंडीशन है वो एक प्लेन से पॉसिबल है, इसलिए बायलेटरल सिमेट्रिकल बोला जाएगा। दिस इज वेरी ट्रू। अस्यूरोसिलोम, सो वी नो दैट स्यूरोसिलोम जो होता है वो तुम्हारे नेमेटोड्स में आता है, और जो तुम्हारे राउंड वर्म्स हैं उसका कंडीशन है। इट इज नॉट ऑफ ऑर्थोपोड्स। ऑर्थोपोड्स में क्या होता है, अकम्प्लीट सीलोम इज प्रेजेंट, विच इज वी ऑल्सो कॉल्ड साइजोसिलोम, जो तुम्हारे एक एक स्प्लिटिंग फॉर्म में प्रेजेंट होती है, तो ये ध्यान में रखना है। थ्री एम्ब्रियोनिक जो हम ले, तो स्यूरोसिलोम वाला तो पार्ट नहीं होगा, ये तो गलत हो गया तुम्हारा, क्योंकि ये तो तुम्हारे नेमेटोड्स का पार्ट है। थ्री एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर, तो मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर का होता है, ऑब्वियसली दे हैव एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। सो तीनों के तीनों जर्म लेयर्स यहाँ पे पाई जाती हैं, तो ये भी तुम्हारा बिल्कुल सही हो चुका है। अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, सो दिस इज वेरी रॉन्ग, क्योंकि का है क्यों, क्योंकि इसमें बोला जाता है कि इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और मैंने बताया था कि जितने भी तुम्हारे ऑर्गन्स है सारे सारे ब्लड में नहाए धोए हैं, ठीक है, उसमें हीमोसोल हीमोसील प्रेजेंट है, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम तो नहीं होगा, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये जो आंसर हो जाएगा 1, 2, 4 विल बी राइट आंसर। तो फिफ्थ वाला वैसे ही गलत हो जाएगा, थर्ड वाला वैसे गलत हो जाएगा, तो ये फर्स्ट और सेकेंड सही है, लेकिन फोर्थ वाला भी सही है, तो जो आंसर होगा सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट है तुम्हारे पास, करो फटाफट से। चलो देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाई द ऑर्थोपोड्स। कौन सी सी कंडीशन तो ऑर्थोपोड्स को यू नो कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करती हैं, ऑर्थोपोड्स को बताती हैं। थोरेक्स विद 8 सेगमेंट्स, तो मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कहीं भी कि 8 सेगमेंट होने चाहिए या 6 सेगमेंट्स होने चाहिए, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। जॉइंटेड लिम्स, तो ऑर्थोपोड्स का मतलब ही होता है, पोड्स मतलब लेग्स होता है, ऑर्थो का मतलब वो जॉइंटेड होता है, जॉइंटेड लेग्स जो होते हैं, लिम्स जो होते हैं, ये बिल्कुल सही होता है। जॉइंटेड एक्सोस्केलेटन है यहाँ पे। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो ये तुम्हारा बिल्कुल सही हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी राइट आंसर। टू पेयर्स ऑफ प्री ओरल एंटीना एंड एट सम स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ, तो प्री ओरल जो एंटीना होते हैं ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। फ्लैटेंड लीफ लाइक अपेंडेजेस नहीं बेटा, जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, फ्लैटेंड लीफ लाइक अपेंडेजेस नहीं होते हैं।
तो ये वाला भी तुम्हारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक याद रखना, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में दे दिए जाते हैं, तो प्लीज इनको ध्यान में रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारे पास 30 सेकेंड इस क्वेश्चन के लिए, ट्राई करो, उसके बाद फिर हम करेंगे। चलो, मिलीपीड्स एंड सेंटीपीड्स बिलोंग टू विच सब फाइलम। जो मैंने बोला था कि सब फाइलम जो होता है इनका वो कौन सा होता है, मायरियापोड्स होता है। उसके बाद जो क्लास आ जाती है वो तुम्हारी मैंडिबुलेटा आ जाती है। तो सब फाइलम जो होगा तुम्हारा मायरियापोड्स होगा, और उसके बाद तुम्हारा फाइलम जो होता है वो तो तुम्हारा इंसेक्ट होता ही होता है, सॉरी ऑर्थोपोड्स होता ही होता है। तो ये ध्यान में रखना है यहाँ से क्वेश्चन अगर कभी आए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 सेकेंड्स। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल स्पाइडर। तो सबके कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकते हैं स्पाइडर, ऑल का पूछा क्या बेटा, ऑल का तो पता करना बहुत मुश्किल है। वेब बिल्डिंग तो यहाँ पे भी एक्सेप्शन हो सकते हैं, तो हमें नहीं पता है। पैरासिटिज्म यहाँ पे भी एक्सेप्शन हो सकते हैं, वॉकिंग लेग्स यहाँ पे भी एक्सेप्शन हो सकते हैं। लेकिन जो चेलिसरे है, बेसिकली उसके जो क्लास है वो तो चेंज नहीं हो सकती, क्लास में तो सेक नहीं आने वाले हैं। अब ऐसा तो नहीं तुम मैंडिबुलेटा में किसी में डाल दो, नहीं ये तो नहीं होने वाला है। तो क्लास सेम रहने वाले, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी योर राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन करो, 30 सेकेंड से ट्राई करो, मैं कराती फिर। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल विद इट्स टेक्सोनोमिक ग्रुप। इसमें क्या होता है, तुम्हें टेक्सोनोमिक ग्रुप बताना है और उसके एग्जाम्पल जो है वो बताना है। तो मैं तुम्हें एनिलिड्स करा चुकी हूँ, ऑर्थोपोड्स भी करा चुकी हूँ, तो आई होप तुम अब कर पाओगे। देखो, कल ही एनिलिड्स कराया था, मतलब एनिलिड्स थोड़े दिन पहले ही कराया था तुम्हें। ओलिगोकीटा जो होता है तुम्हारा किसका एग्जाम्पल होता है, अर्थवर्म का होता है, तो बिल्कुल सही हो गया। यहाँ पे ओलिगोकीटा लीच का दे रखा है, ये बिल्कुल गलत हो गया। ओलिगोकीटा ऑक्टोपस दे रखा है, ये भी गलत हो गया। ओलिगोकीटा हॉर्सशू क्रैब दे रखा है, ये किसमें आता है, डायमेलस है, किंग क्रैब है, ऑर्थोपोड्स में आता है, तो ये भी तुम्हारा गलत हो जाएगा। तो मतलब एक से तुम्हारा पूरा का पूरा आंसर निकल के आ गया, तो आंसर ए तुम्हारा पहला होने वाला था। कितना ईजी था। सिफेलोपोडा जो होते हैं, सिफेलोपोडा जो होते हैं मोलस्क में आते हैं, ये मैंने नहीं करा है पर मैं करा दूंगी। तो ये ऑक्टोपस तुम्हारा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। इकाइनोइडिया का मतलब होता है सी अर्चिन, जिसका इकाइनोप्लूटस जो होता है, इकाइनोप्लूटस जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है, लार्वा होता है। तो इसको भी याद रखना, इकाइनोप्लूटस को। सेस्टोजा जो होती है, क्लास किसमें होती है बेटा, फ्लैट वर्म्स में, तुम्हें बताया था। टेप वर्म होता है, टीन या सोलियम जो बेसिकली होता है वो सेस्टोजा से बिलोंग करता है, जहाँ पे फॉल सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, सुडो और जो सेगमेंटेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। चेलिसरेटा जो क्लास मैंने तुम्हें बताई, हॉर्सशू क्रैब जो लाइमुलस होता है, किंग क्रैब होता है, वही तुम्हारा यहाँ पे प्रेजेंट होता है, तुम्हारा ये भी बिल्कुल सही हो गया है। हिरुडिनेरिया मैंने तुम्हें एनिलिड्स में बताया था, ये लीच होता है, लीच का याद रखना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चलो मैं तुम्हें समझा देती हूँ, वो वाला याद रखना प्लीज, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान में रखना है। देखो, ये मैं तुम्हें ऐसे समझा देती हूँ, अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द स्कॉर्पियन। अगर स्कॉर्पियन की बात आती है, तो मैंने तुम्हें बताया था फोर पेयर ऑफ वॉकिंग लिंग्स नहीं, ठीक है। अ करेक्टरिस्टिक फीचर जो बेसिकली ये चेलिसरे क्लास में होते हैं, कि मैंने माना पैरी पॉल्पी अगर होगा, विवी पैरी जो होता है करेक्टरिस्टिक फीचर होता है स्कॉर्पियन की, अगर मैं बात करती हूँ तो। ये चेलिसरे इसका करेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है बेटा, इसकी क्लास है। तो फीचर क्या होता है, विवी पैरस जो इसका नेचर होता है, ये इसका करेक्टरिस्टिक फीचर होता है, इसको ध्यान में रखना है। टाइलोबाइट्स अगर तुमसे पूछा जाएगा, तो ये तुम्हारे कनेक्टिंग लिंक तो नहीं है। कनेक्टिंग लिंक कौन सा है बेटा, एनिलीड्स और ऑर्थोपोड्स में कौन सा था तुम्हारा, पेरीपेटस, ठीक है। जो पेरीपेटस है वो एनिलीड्स और ऑर्थोपोड्स में है। जब मोलस्क पढ़ाऊंगी तब मैं तुम्हें वहां पर बता दूंगी कौन सा होने वाला है। लिविंग फॉसिल भी नहीं है, इंसेक्ट्स भी नहीं है, एक्सटिंक्ट ऑर्थोपोड्स है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। इसको एक बार कंडीशन देख लेते हैं, इलोंगेट मेम्ब्रेनस विंग्स विद नेट लाइक विनेशन, लॉन्ग सिलेंडर एब्डोमेन, लार्ज कंपाउंड आइज, ठीक है। जब हम लार्ज कंपाउंड आइज की बात करते हैं, तो बेटा ऑर्थोप्टेरा, देखो सेकंड, सॉरी, यहाँ से समझते जाना, समझ में आ जाएगा। देखो, ऑर्थोटेप्टेरा और ऑर्थोप्टेरा की बात करते हैं, तो तुम्हारा कौन सा होता है, ग्रास ऊपर होता है और लोकस्ट होता है। इसमें क्या बोला गया है, अगर तुम्हें ग्रास ऊपर का स्ट्रक्चर तुम्हें पता हो थोड़ा बहुत भी,
तो इसमें क्या बोला गया है, इलोंगेट मेम्ब्रेनस विंग्स विद नेट लाइक वेनेशन। तुमने कभी देखा होगा ग्राउंड में अगर तुम जाओगे तो मैं ना ग्रास ऊपर उड़ते उड़ते दिखाई दे जाएंगे, बहुत उड़ते उड़ते दिखाई देंगे। लॉन्ग और सिलेंडर एब्डोमेन होता है, लार्ज कंपाउंड आइज होती है, क्योंकि उन्हें बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर यहाँ पे अटैक करना होता है, तो इनकी जो कंपाउंड आइज होती है काफ़ी अच्छी होती है, लार्ज होती है। ठीक है, तो ये ऑर्थोप्टेरा हो गया है। स्मॉल बॉडीड सकिंग माउथ पार्ट्स नैरो विंग फ्रिंज विद द सीटे। अच्छा माना, मुझे तो ये नहीं पता था। नेक्स्ट है क्लोरोटाइज्ड फोर विंग्स मेम्ब्रेनस विंग्स, ठीक है, एंड च्यूइंग माउथ पार्ट्स। कॉलियोप्टेरा का मैंने बताया था लेडी बीटल होता है, लेडी बीटल के पास क्या होगा, तुम्हारे मेम्ब्रेनस हाइड विंग्स होते हैं, च्यूइंग माउथ पार्ट्स होते हैं, तो कॉलियोप्टेरा जो होता है लेडी बर्ड होता है। जबकि अगर तुम्हारा देखो ये याद करके रखना वरना क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो जो हेमिप्टेरा है तुम्हारा उसमें जाइंट वाटर बग है, ठीक है, लेकिन तुम्हारा कॉलिप्टेरा जो होता है लेडी बग होता है बेटा, स्क्रैब वाला बीटल भी होता है जो स्क्रैब कर सकता है प्रॉपरली, तो ये याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है, तो मेटामॉर्फोसिस के बेसिस पे याद रखो, और कौन सा किसका तुम्हारा क्लास में कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं उसको याद रखोगे, इतना इनफ होगा। आई नो ये थोड़ा टफ हो जाएगा तुम्हारे लिए, बट स्टिल कोशिश करना, अगर हो जाता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वहाँ पे ऑप्शन तो होते ही काफी, तो टेंशन लेने वाली बात तो कुछ है नहीं। अगर सीटे वाली कंडीशन आएगी तो ध्यान में रखना है, हेमिप्टेरा वाली कंडीशन आ जाएगी यहाँ पे, ये ध्यान रखना। कॉलियोप्टेरा में च्यूइंग माउथ पार्ट्स होंगे और तुम्हारे स्क्लेरटाइज्ड फोर विंग्स होते हैं यहाँ पे, तो ये भी ध्यान में रखना है। तो जो आंसर हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, तो ये आई होप ये समझ में आया होगा। लास्ट वाला आई नो थोड़ा ऑर्थोप्टेरा ये सब मुश्किल हो जाता है, तो अगर कभी भगवान करे ऐसे क्वेश्चन कभी आए ना, अगर आता है तो फिर भी थोड़ा बहुत देख लेना, नहीं तो और भी ऑप्शंस होते हैं वहाँ पे, तुम जंप कर सकते हो। ठीक है, हाँ, सो डोंट वरी कि मैं प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, सो अगर फ्री क्लासेस की बात करती हूँ तो तुम्हारी 10:30 पे फ्री क्लासेस होती हैं, जहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराती हूँ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराती हूँ, तो अगर किसी ने ज्वाइन नहीं करी है तो मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो। साथ के साथ अगर मैं बात करती हूँ तुम्हारे YouTube पे 4 बजे एक क्लास होती है जो आज तुम्हारी ये वाली है, रेगुलर क्लासेस होती हैं, अभी तुम्हारा रिवीजन चल रहा है 13 to 17, तो आप इसको अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी के प्ले स्टोर पे आपको जाना है और अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है। अनअकैडमी डाउनलोड करने के बाद में कुमकुम गौतम सर्च करना है, फॉलो कर लेना है, तो जब भी क्लास होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे। बेटा अनअकैडमी पे तुम्हारी प्लस क्लासेस भी होती हैं जो तुम्हारी पेड वाली क्लासेस होती हैं, तो अगर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, रेगुलरली पढ़ाई करनी है, पूरा कोर्स यहाँ पे कंप्लीट करना है, यूनिट वाइज कोर्स कंप्लीट करना है, तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पे जो नोट्स हैं आपको PDF फॉर्मेट में यहाँ पे मिल जाते हैं, आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस मिलती हैं, प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस भी यहाँ पे मिलती हैं, आपके मॉक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस कराई जाती है, क्विजेस कराए जाते हैं, टेस्ट सीरीज कराई जाती हैं, ये सब यहाँ पे चलता रहता है। प्लस क्लासेस पे मेरे यहाँ पे रिवीजन कोर्स चल रहा है जहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा रही हूँ आपको CSI UGC नेट के लिए, तो आप ये भी अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। देखो रिवीजन से बेसिकली होगा क्या, इनमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराए जा रहे हैं, तो जितने भी एजुकेटर्स हैं अभी सबके सब अच्छे से आपको रिविजन करा रहे हैं, तो आप इनको अगर अभी ज्वाइन करोगे इस कोर्स को, तो फायदा क्या होगा कि आपका जब नेक्स्ट मंथ से, ठीक है, जब से तुम्हारा ये पेपर ओवर हो जाएगा उसी टाइम से तुम्हारा क्या होगा, नया कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, तो तुम्हें जब नया कोर्स पढ़ाया जाएगा तो तुम्हें पुरानी वाली चीज़ें ना काफ़ी अच्छे से माइंड में बैठी होंगी, तो तुम्हारा रिवीजन प्रॉपरली यहाँ पे हो पाएगा नेक्स्ट एग्जाम के लिए। आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ध्यान रहे गेट ESC ना लिखा हो, यहाँ पे लिखा होना चाहिए CSIR UGC नेट, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आपको प्लान चूज करना होता है, 1 मंथ का लेना है, 3 मंथ का लेना है, 6 मंथ, 12 मंथ से 24 मंथ, तो जो भी बच्चे CSI UGC नेट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं 6, 12, 24 मंथ का ले सकते हैं, यहाँ से आपकी पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी बेटा। ठीक है, और आपको काफी टाइम से पढ़ा भी रही हूँ तो इतना ट्रस्ट तो हो ही गया होगा। उसके बाद प्रिपरेशन के साथ साथ आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाता है, तो कोई इशू नहीं आता है। आप एक रेफरल कोड यूज कर सकते हो, वो जो है कुमकुम10 है, देन आपको अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद में 10% ऑफ आपको यहाँ पे मिल जाता है। फिर आपको पेमेंट करना होता है, डेबिट कार्ड के थ्रू करो, चाहे EMI के थ्रू करो, UPI वॉलेट या नेट बैंकिंग के थ्रू करो, तो इतना अमाउंट आपको पे करना होता है। अगर किसी भी बच्चे को फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो आप EMI के थ्रू भी पे कर सकते हो, यहाँ पे नो कॉस्ट EMI वाला ऑप्शन है, मतलब इंटरेस्ट आपसे कुछ भी नहीं लिया जाता है, आपको सिर्फ ये अमाउंट जो है इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है, तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। अनअकैडमी ऐप पे जाना है, CSI UGC नेट को सर्च करना है और सब्सक्रिप्शन लेना है, कुमकुम10 यहाँ पे कोड अप्लाई करना है टू गेट 10% ऑफ, और मेरे कोर्सेज के साथ साथ जितने भी CSI UGC नेट के एजुकेटर्स हैं आपको सबके कोर्सेज मिलते हैं, सबकी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती हैं। अगर कोई नया बच्चा आया है तो अगर क्लासेस पसंद आ रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू।